The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. एक शूरवीर योद्धा मारकंकुल में जन्मा, गाढ़ा समुद्र में गोचामी वंश का झंडा, महाबली रंबन का उत्तराधिकारी, अकाल से भी प्रजाओं की रक्षा करने वाला, वो वीर कोई और नहीं, वो है गंगा।
पिछले साल आई कमल हसन की फिल्म विक्रम में तमिल सुपरस्टार सूर्या का बस एक छोटा सा कैमियो था। रोलेक्स भाई के रोल में कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आए सूर्या को देखकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे, मगर जब उनकी अगली फिल्म कंगुआ से उनका मोशन पोस्टर आउट हुआ तो सिनेमा फैंस के होश ही उड़ गए। 2024 में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से कई धमाकेदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं। साउथ सुपरस्टार सूर्या इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कंगुआ को लेकर चर्चे में है। फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से फैंस सूर्या की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब कंगुआ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। निर्देशक सिरुथाई शिवा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का टीजर रिलीज होने वाला है। कंगुआ का टीजर को 19 मार्च को रिलीज किया जाएगा। प्रोडक्शन हाउस स्टूडियोज ग्रीन ने इंस्टाग्राम पर खबर शेयर करते हुए लिखा कि एक घटना के लिए तैयार रहे, कंगुआ आपकी पर्सनल स्क्रीन को जलाने के लिए तैयार है। ये एक सीजल टीजर 19 मार्च को शाम 4:30 बजे आएगा। पब्लिसिटी देख रहे हो, इन्होंने सीजल ऐड क्यों किया? क्या ये कोई सीजलर है? शायद सच में सीजलर ही होगा जो आपके स्क्रीन पर स्वाद और तड़के का एक्सपीरियंस देगा। लेकिन ऐसी पब्लिसिटी हम SRK की जवान डंकी के ट्रेलर टीजर लॉन्च में देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने डंकी के सॉन्ग्स टीजर और ट्रेलर को डंकी ड्रॉप 1-2 सीरीज के नाम से लॉन्च किया था। वही जवान में शाहरुख ने प्रीव्यू शब्द का इस्तेमाल किया था जो काफी यूनिक था। कंगुआ को 38 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा और इसका बजट करीब 350 करोड़ है। साउथ स्टार सूर्या की फिल्म कंगुआ के डायरेक्टर शिवा है। फिल्म में बॉलीवुड एक्टर दिशा पाटनी लीड रोल में है। वही बॉबी देओल खूंखार विलन के रोल में नजर आएंगे। लगभग 2 साल की इंटेंट शूटिंग और प्री प्रोडक्शन के बाद अब फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन फेज में है। फिल्म में लीड रोल निभा रहे सूर्या ने हाल ही में फिल्म में अपने हिस्से के लिए डबिंग शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले स्टूडियोज ग्रीन के निर्माता ज्ञानवेल राजा ने भी बॉबी देओल को फिल्म का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू कहा था। हाल ही में फिल्म में बॉबी का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है। फिल्म में बॉबी शक्तिशाली उधीरन की भूमिका निभाते नजर आएंगे। पोस्टर में बॉबी ताकतवर नजर आए, वे लंबे और गंदे वालों के साथ सैकड़ों लोगों से घिरे हुए दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर भाव था, उनकी आंखें अलग अलग रंग की थी। कंगुआ की कहानी एस वेंकटेश्वर की किताब वेल पारी पर बेस्ड है। भारत का इतिहास कई गौरवशाली विशाल साम्राज्यों से भरा रहा। आज के तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों को मिलाकर प्राचीन तमिल लोगों का क्षेत्र बनता है जिसे तमिलकम कहा जाता है। तमिलकम के अधिकार इलाके पर चोल, चेर या पांडे में से जो एक राजा होता है, मगर इन्हीं के बीच परम्बु नाडु और उसके आसपास के इलाके में एक छोटा राजवंश वेलिर का राज था। वेलपारी को तमिल इतिहास के 7 महानतम संरक्षों में से एक कहा जाता है। उन्हें प्रकृति और कला से बहुत प्रेम था। कपिलार खुद पांडे साम्राज्य से आते हैं, लेकिन पारी के स्वभाव से वो इतने प्रभावित हुए हैं कि उनके दरबार में मुख्य कवि बन गए और परम्बु में ही रहने लगे। कपिलार ने वेलपारी से जुड़े एक किस्से का जिक्र पुराना नूरु में भी किया था। एक बार कहीं जाते हुए पारी की नजर खूबसूरत फूलों वाली एक बेल पर पड़ी। किसी चीज को सहारा ना मिलने इससे वे बेल बढ़ नहीं रही थी। पारी ने अपना रथ उस बेल के पास छोड़ दिया ताकि उसे सहारे से वो बढ़ सके। लेकिन जब इन्हीं पारी का राज्य गिर गया तो धूत बनकर गए कबिलार ने लड़ते हुए राजाओं के सामने अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहा कि हर एक पेड़ से तुम्हारी हाथी बंधी है, तुम्हारे रथ पूरे मैदान पर फैले हुए हैं, लेकिन तुम लड़कर उससे नहीं जीत सकते, वो तलवार के आगे नहीं झुकेगा। ऐसा ही हुआ। अभी वेलपारी ने कई साल तीनों बड़े साम्राज्य के राजाओं से अकेले लोहा लिया और युद्ध जारी रखा। अगर इसकी कहानी देखे तो बॉबी का कैरेक्टर इसी राजा की तरफ दिख रहा है, क्योंकि बॉबी के कैरेक्टर को जन समुदायों के रक्षक में से दिखाया गया है। कई ज्ञानेवाल राजा के स्टूडियोज ग्रीन ने पिछले 16 सालों में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इन फिल्मों में सिंगम सीरीज, पृथ्वीवीरन, सिरुथाई, नान महान अल्ला, मद्रास, टेडी, पाथुथाला जैसी फिल्में शामिल है। आपको कंगुआ को स्क्रीन पर देखने के लिए कितनी एक्साइटमेंट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088. कंगुआ का एक काफी दमदार ट्रेलर आ गया है हमारे सामने, जिसे देखकर हम एक ही चीज कह सकते हैं, व्हाट अ रूथलेस वॉर इज अबाउट टू हैपन। क्योंकि उसमें हमने क्लियरली देखा कि दो ग्रुप्स के बीच में हो रही वॉर, जो बाहुबली सागा में दिखी कालकई और महेश मेहता की सेना के बीच की वॉर से भी काफी खतरनाक थी, और अब
इस ट्रेलर को देखने के बाद एक पॉसिबल स्टोरी लाइन आई है सामने। तो अगर आप भी जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आखिर ये सब लड़ क्यों रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ एंड तक। तो कहा जा रहा है कि सूर्या इस मूवी में एक माइटी वॉरियर का किरदार निभा रहे हैं, और जिस तरह का ट्रेलर हमने देखा, हम कह सकते हैं कि मेकर्स इस मूवी को एक बड़े स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रेलर के आने के साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि इस मूवी के ओटीटी राइट्स प्राइम वीडियो ने खरीद लिए हैं, जिसकी अनाउंसमेंट मुंबई में प्राइम वीडियो के मेगा इवेंट में की गई थी। और यहीं से हमें पता चला कि क्या होगी मूवी की पॉसिबल स्टोरी लाइन, जिसके हिसाब से गंगुआ एक ऐसे हीरो की कहानी है जो 500 साल ट्रैवल करता है, यानी कि 1700 से लेकर 2023 तक, ताकि वो अपने अधूरे मिशन को पूरा कर सके। और ये अधूरा मिशन मूवी के मेन विलन बॉबी देओल के आसपास ही है, जिनका रुदलेस अवतार देखकर ऐसा लग रहा है कि एनिमल मूवी में जो कसर बाकी रह गई थी, वो इस मूवी में बॉबी पूरी करने वाले हैं, और एक एनिमल की तरह ही सूर्या के कंगुआ वाले किरदार पर टूट पड़ने वाले। इस पॉसिबल स्टोरी लाइन को सुनने के बाद जो ये थ्योरी घूम रही थी कि सूर्या इस मूवी में 6 अवतार अलग अलग एरा या टाइमलाइन के हिसाब से होने वाला है, वो सही साबित हो गई। और साथ ही अगर ये एक ही योद्धा की कहानी है जो 500 साल ट्रैवल करता है, तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये योद्धा हर एरा या टाइमलाइन में कंगुआ के तौर पर रीबॉर्न होता होगा, और जब तक इसका असली मकसद जो मूवी के विलन को मारने का है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो हर टाइमलाइन में रीबॉर्न होता ही रहेगा। और इसका मतलब ये भी है कि हम बॉबी देओल जो मेन विलन है उनके भी अलग अलग अवतार देखने को दे रहे और देखने को मिलेगा, जो अलग अलग लुक में आकर कंगुआ को चैलेंज करता होगा। आपको इस पर क्या कहना है बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे, बाय बाय। ஆளுக்குள் குடி நட்ட மாராக்கன் வழி வந்து தயாந்து மலை ஏறி கொண்டல் ஒரு நூறு குடி நகமும் இவன் மாலறையா। सूर्या जिन्हें मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर माना गया है, वो अपनी मेगा बजट पीरियोडिक ड्रामा कंगुआ के साथ एकदम रेडी हैं, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं सिरुथाई सिवा, और जिसके सिसलिंग टीजर ने हम सबके होश भी उड़ा दिए। और हाल ही में इस मूवी को लेकर मेकर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लिम्स को भी किया है रिवील, जिसने ऑडियंस की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। धनंजय जो कंगुआ मेकर्स के साथ मिलकर स्पिरिट ड्रामा पर काम कर रहे हैं, उन्होंने मूवी में होने वाली टाइगर सीक्वेंस को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बातें की हैं, जिसे हमने टीजर में भी देखा था, और देखने के बाद हम सभी इसी बात पर अग्री करते थे कि ये कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हो ही नहीं सकता। और धनंजय ने हमारी इस बात को सही साबित किया है, और उन्होंने बताया कि सिनेमेटोग्राफर वेत्री ने रियल टाइगर के साथ इस सीक्वेंस की शूटिंग की है, ताकि मूवी में रियलिस्टिक फ्लेवर को ऐड किया जा सके, और उसमें वीएफएक्स का सही इस्तेमाल करके उसे और भी ज्यादा टेरिफिक बनाया गया है, यानी कि मूवी में जो टाइगर है वो एकदम रियल है। और जहां हम रियल एनिमल को मूवी में इस्तेमाल करने वाली इस मेथड की बात कर ही रहे हैं, तो आपको बता दें कि सेम मेथड का इस्तेमाल मोहनलाल की ब्लॉकबस्टर मलयालम मूवी पुली मुरुगन में भी किया गया था, जिसकी स्टोरी टाइगर्स पर ही बेस थी। साथ ही धनंजय के इस रिवेलेशन के बाद हम इस मूवी को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं, और ऐसा कहा जा सकता है कि सिरुधाई सिवा और उनकी टीम ने इस मूवी को लेकर काफी मेहनत की है। साथ ही कहां हम सूर्या के टाइगर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ ही ट्रिपल आर में जो एंटीया के टाइगर के साथ फाइटिंग है, उसे हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वो आज तक की आइकॉनिक फाइट्स में से एक है। लेकिन यहां पर दाद्रुप की बात यह है कि ट्रिपल आर जो कंगुआ जैसी ही बिग बजट पैन इंडियन मूवी थी, जिसने लोगों के दिलों के साथ साथ इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते, उसमें जो टाइगर था उसे सीजीआई की मदद से बनाया गया था, लेकिन ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था कि वो टाइगर बिल्कुल रियल लग रहा था, जबकि कंगुआ में तो हम रियल टाइगर ही देखने वाले हैं। ट्रिपल आर के इस टाइगर सीक्वेंस पर बात करते हुए मोहन कुमार ने बताया था कि उन्होंने एलईडी स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया था जहां टाइगर या किसी और एनिमल के साथ एक्शन करना था, ताकि जब एक्शन करने की बारी आए तो सबको पता चलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सेट्स पर साइम्यूलेटर कैमरा भी सेट किया गया था, जिसकी मदद से सीजी टाइगर को मॉनिटर पर भी देखा जा सकता था, जो उनके लिए काफी हेल्पफुल था, और इन्हीं टेक्निक की मदद से ट्रिपल आर में सीजीआई टाइगर भी रियल लग रहा था। लेकिन कंगुआ इन मेथड्स को कॉपी करने की जगह रियल टाइगर का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और अच्छी बात भी। आप कितने एक्साइटेड हो बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे, बाय बाय। साउथ सिनेमा की कंगुआ इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है।
इस मूवी में सुपरस्टार सूर्या नजर आने वाले हैं। वहीं मूवी में बॉबी देओल विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने मूवी एनिमल में अब्रार का रोल प्ले कर हर किसी को चौंका दिया था। कंगुवा में भी बॉबी देओल एक खूंखार विलेन के रोल में नजर आएंगे। अब लंबे इंतजार के बाद मूवी का टीजर रिलीज कर दिया गया। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, मूवी का टीजर बेहद शानदार है। कलाकारों का एक्शन अंदाज किसी का भी दिल जीत लेगा। इतना ही नहीं, कंगुवा की ओटीटी रिलीज की भी घोषणा हो चुकी है। सूर्या की ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। मंगलवार को अपने खास कार्यक्रम में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कंगुवा की रिलीज की घोषणा की। मूवी में 500 साल पुरानी कहानी देखने को मिलेगी। और तो और, ये कहानी 2023 में खत्म होती है। बात करें मूवी के टीजर की, तो इसमें बॉबी देओल और सूर्या दोनों का खूंखार अंदाज देखते बन रहा है। कंगुवा मूवी को जिस तरह बनाया जा रहा है, उसके बाद मूवी के बजट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सूत्रों की माने तो मूवी का बजट लगभग 300 crore रुपए बताया जा रहा है। शिव निर्देशित इस मूवी में जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वो भी कमाल का है। मूवी की शूटिंग पूरी हो चुकी है। मूवी में साउथ के सिंघम सूर्या इसमें लीड रोल में नजर आएंगे। वो मूवी में खतरनाक अवतार में नजर आ रहे हैं। वहीं सूर्या से टक्कर लेने बॉलीवुड एक्टर और एनिमल के अब्रार यानी बॉबी देओल को देखा जाएगा। इस मूवी में उधीरन का किरदार निभा रहे हैं वो। इस तरह ये टक्कर काफी इंटरेस्टिंग नजर आने वाला है। कंगुआ की हीरोइन कोई और नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी है। दिशा को मूवी में अनदेखे अवतार में देखा जा सकेगा। ये पैन वर्ल्ड मूवी बताई जा रही है, जिसे दुनिया भर में 10 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। रीच के मामले में अब तक सिर्फ एसएस राजामौली की फिल्में ही विश्व स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर पाई हैं। अब इंडिया में कई ऐसी फिल्में बन रही हैं, जिसे इंडिया के अलावा वर्ल्ड वाइड भी बड़े लेवल पर रिलीज करने की तैयारी है। कंगुआ वैसी ही मूवी है। टीजर में आपको मूवी का भव्य स्केल नजर आता है। वीएफएक्स का ढेर सारा काम है, जो कि संतोषजनक लगता है। ये पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी है। बताया जा रहा है कि इस मूवी में वर्ल्ड लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा, मगर ये मूवी इंसानी इमोशन के बारे में है, इसलिए मूवी के इमोशनल एंगल का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि ये मूवी वेलिर के शासक वेलपारी की कहानी पर आधारित हो सकती है। 300 वाली वाई बात तो रही है इस मूवी से, मगर डार्कर शेड में। वहीं अगर कंगुवा की वीएफएक्स को बाहुबली से कंपेयर किया जाए, तो राजामौली की बहुप्रतीक्षित मूवी बाहुबली अद्भुत वीएफएक्स से भरपूर थी। निर्देशक एसएस राजामौली की मूवी बाहुबली भारतीय सिनेमा में दृश्य प्रभावों के लिए एक नया मानदंड स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मूवी में 4500 से अधिक वीएफएक्स शॉट्स हैं। वीएफएक्स शॉट्स की इतनी बड़ी मात्रा भारतीय सिनेमा में नया रिकॉर्ड है, जिसने शाहरुख खान की रावण और ऋतिक रोशन की कृष 3 को पीछे छोड़ दिया है। पिछले कुछ सालों से हैवी वीएफएक्स वाली बड़े स्केल पर बनी कई एपिक ड्रामा फिल्में आ चुकी हैं। ऐसे में वीएफएक्स वाली फिल्मों की भीड़ से कोई भी सिनेमा दर्शक थोड़ा उप सकता है। अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं, तो साउथ के बेहद पॉपुलर स्टार सूर्या आपको सरप्राइज करने आ रहे हैं। आपको फील होना शुरू ही होगा कि वीएफएक्स के भरोसे बनी फिल्में बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन सूर्या की मूवी कंगुआ की ये झलक देखते ही आपको यकीन हो जाएगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यानी बहुत चांसेस है कि कंगुआ का वीएफएक्स बाहुबली से भी तगड़ा होगा। वैसे बाहुबली डार्क शेड मूवी तो नहीं थी, बट कंगुआ है, जैसा सलार एंड केजीएफ थी। कंगुआ का वीएफएक्स हॉलीवुड स्टैंडर्ड से मैच करने वाला है। अब ये तो देखना होगा कि क्या बाहुबली के वीएफएक्स को ये टक्कर देगी या नहीं, या उससे भी बेहतर होगी। बताया जा रहा है कि कंगुआ ने मूवी से कोई क्लिप रिलीज होने से पहले ही अपनी लागत वसूल ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 350 crore रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने 500 crore रुपए कमा लिए हैं। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने कंगुआ के साथ इंडियन भाषाओं के डिजिटल राइट्स 80 crore में खरीद लिए हैं। वहीं मूवी के हिंदी वर्जन के थिएट्रिकल राइट्स पैन स्टूडियोज ने 100 crore में खरीदे। ये वही स्टूडियो है जिसने RRR से लेकर PS1 & 2, विक्रम और सीतारामम जैसी फिल्मों को हिंदी में रिलीज किया था। प्रभास की आने वाली मूवी कल्कि 2898 AD के हिंदी थिएट्रिकल राइट्स भी पैन स्टूडियोज ने ही खरीदे हैं। खैर, अब आप बताओ आपको कैसी लगी ये टीजर, बताएं हमें कमेंट सेक्शन। हॉलीवुड पावर हाउस स्टार सूर्या की अपकमिंग मूवी कंगुआ इस साल कब रिलीज होने के मूड में है,
ये तो नहीं पता, पर इस मूवी का हाइप बढ़ चुका है और उसका मेन रीजन है टीजर में दिखाया गया इम्प्रेसिव वीएफएक्स, जिसके लिए मेकर्स को स्पेशल एप्रिसिएशंस भी मिल रहा है। पर ये जो हाइप बढ़ चुका है उसका एक सीक्रेट भी है। दरअसल मूवी में हमें एक ऐसा सीक्वेंस भी दिखाई देने वाला है जहां पर टाइगर होगा। अरे नहीं, टाइगर श्रॉफ या सलमान खान वाला टाइगर नहीं, बल्कि जंगल का टाइगर। तो कंगुआ में एक टाइगर सीक्वेंस होने वाला है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, बल्कि रियलिस्टिक फ्लेवर ऐड करने के लिए रियल टाइगर को लाया जाएगा और वीएफएक्स को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कि वो देखने में और भी टेरिफिक लगेगा। वैसे फिल्मों में ऐसे टाइगर को दिखाना ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले मलयालम एक्टर मोहनलाल की मूवी पुली मुरुगम में भी ऐसे टाइगर सीक्वेंसेस थे, क्योंकि इसकी स्टोरी टाइगर के ही इर्द गिर्द घूमती है। अब कंगुआ के वीएफएक्स टॉप नॉच तो दिख ही रहे हैं और ऐसे में जब रियल टाइगर लाएंगे मतलब तो कमाल ही होना है। वैसे ऐसा एक्सपेरिमेंट मूवी ट्रिपल आर में भी किया गया था, जहां एक फ्रेम में हमें जूनियर एनटीआर और टाइगर नजर आए थे। वो भी टेरिफिक सीन था, पर वो कोई रियल टाइगर नहीं था, बल्कि सब वीएफएक्स का कमाल था। इसके बाद अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 के ग्लिम्स में भी हमें जो टाइगर दिखाया गया है वो भी सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स का ही कमाल था। पर कंगुआ इस मामले में यूनिक कर रही है तो अब हाइप तो बढ़ना लाजमी है। और वैसे भी कंगुआ में ट्राई वॉर देखने को मिलने वाला है जो जंगल के रहीवासी से होगे। ऐसे में एक्टर से ज्यादा जानवर की सपोर्टिंग कास्ट के तौर पर नजर आएंगे ऐसा लगता है। वैसे तमिल सिनेमा में अब तक सिर्फ वाइट या चुनिंदा गानों की सीक्वेंसेस के लिए वीएफएक्स इस्तेमाल होता था, पर कंगुआ ने तो सारे एलिमेंट्स ही तोड़ दी है। खैर अब आप बताओ, आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर? हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। कुछ वक्त पहले तक जिसे हर कोई अबरार कहकर पुकार रहा था, उसे अब उद्धीरन ने रिप्लेस कर दिया है। बॉबी देओल ने एनिमल्स में बीते साल खूब भौकाल काटा, छोटा सा रोल लेकिन इतना इम्पैक्टिव कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। यही हुआ था बॉबी देओल के साथ, जो बीते कुछ महीनों से सक्सेस का स्वाद चख रहे हैं। वहीं अब नए नए और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्हें मिलने लगे हैं। अब बीते दिनों खबर आ रही थी कि जल्द ही बाबा निराला की एंट्री होने वाली है। हालांकि आश्रम 4 से पहले कांगवा का उद्धीरन आएगा, जिसके चार बवाली झलक तो आप पहले ही देख चुके हैं। जब चार फिल्म देखने के बाद ऐसा हाल है तो सोचिए कि पूरी फिल्म कितना भौकाल काटेगी। बॉबी देओल का कांगवा में सबसे खतरनाक अंदाज देखने को मिल रहा है, जो पहले किसी ने नहीं देखा होगा। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि अबरार तो कुछ भी नहीं था, बॉबी देओल एनिमल में ना और भी भयंकर होने वाले हैं। खैर कांगवा में सूर्या से भिड़ने के लिए बॉबी देओल को कितनी फीस मिली है ये जान लेते हैं। रणबीर कपूर की एनिमल में बॉबी देओल ने विलन का किरदार निभाया था। अबरार का रोल बेशक छोटा था, लेकिन भोकाल पूरा पूरा काटा था। अब इससे भी बड़ा और खतरनाक किरदार निभा रहे हैं जो उद्धरण का होगा। इस फिल्म को 10 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जो कि एक पैन वर्ल्ड फिल्म बताई जा रही है। हालांकि इस फिल्म में सूर्या से टक्कर लेने के लिए बॉबी देओल को 5 करोड़ रुपए फीस मिल रही है, यानी जो एनिमल से बस थोड़ी सी ज्यादा है। अबरार के रोल के लिए बॉबी देओल को 4 करोड़ रुपए के आसपास फीस मिली थी। वहीं फिल्म में दिशा पाटनी भी नजर आने वाली है, जिनकी टीजर में कोई भी झलक देखने को नहीं मिली है। ऐसा पता चला था कि उनका फिल्म में एक अहम किरदार होने वाला है। खैर साउथ की कई फिल्मों में ना वो दिखने वाली है। इसमें अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल, प्रभास की कल्कि 2898 शामिल है। ऐसा पता लगा है कि वो फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज कर रही है। इस फिल्म में साउथ स्टार सूर्या लीड रोल में है, जिनका टीजर में खतरनाक और गजब का लुक देखने को मिल रहा है। वही टीजर में देख कर ये तो पता लग गया है कि फिल्म में बॉबी देओल और सूर्या आमने सामने होंगे। टीजर में दोनों का आखिर में एक फ्रेम भी था जहां वो आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन लुक से भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज है सूर्या की फिल्म में पीस, जो खलनायक से कई गुना ज्यादा बताई जा रही है। पता लगा है कि कांगवा के लिए सूर्या 25 से 39 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। वही प्रॉफिट शेयरिंग भी उनका हिस्सा होगा। खैर उनका हर किसी को इंतजार है, जल्दी बॉबी देओल बड़े पर्दे पर भौकाल काटते नजर आएंगे। तो आपको बॉबी देओल को कांगवा में देखने की कितनी एक्साइटमेंट है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। साउथ सुपरस्टार एक्टर सूर्या शिवकुमार के फैंस को उनकी मच अवेटेड फिल्म कंगुआ का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का टीजर कुछ महीने पहले जारी किया गया था। मेकर्स टाइम टाइम पर इससे जुड़ी अपडेट शेयर कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर फिल्म का नया पोस्टर लॉन्च किया गया है, जो आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है। कंगुआ एक्टर सूर्या की 42वीं फिल्म है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म से अपना नया लुक शेयर किया है। इस पोस्ट में एक्टर को मशाल पकड़े देखा जा सकता है। उनके पीछे कई लोगों की भीड़ है, जिन्होंने ऊपर की तरफ मशाल उठाया है। नए पोस्टर में
सूर्या के इंटेंस लुक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दोस्तों, सूर्या शिवकुमार ने फिल्म के नए पोस्टर को शेयर कर फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। इस फिल्म की स्टारकास्ट में दिशा पाटनी भी शामिल है। इसके अलावा एनिमल एक्टर बॉबी देओल के भी फिल्म में होने की चर्चा तेज है। ऐसी खबर है कि वो फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर में होने वाले हैं। कंगवा की कहानी मानवीय भावनाओं के बारे में है और इसकी कहानी 1000 साल पुरानी है। फिल्म दो अलग अलग समयावधियों पर आधारित है, 1500 साल से भी पहले और आज के समय में। ये काल्पनिक कहानी वाली फंतासी फिल्म है। फिल्म की टैगलाइन है एक शक्तिशाली वीर गाथा। फिल्म के निर्देशक शिवा ने कहा कि कांगू आग के लिए एक प्राचीन तमिल शब्द है और कंगुआ आग की शक्ति वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। फिल्म के तकनीकी दल में संगीतकार के रूप में देवी श्री प्रसाद, सिनेमाटोग्राफर के रूप में बेटरी पलानीसामी और एडिटर के रूप में निषाद यूसुफ शामिल है। इसे लगभग 300 से 350 करोड़ के बजट पर बनाया गया है, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है। डायरेक्टर शिवा के निर्देशन में बनी कंगवा अगले साल रिलीज हो रही है। फिल्म की रिलीज डेट समर 2024 बताई जा रही है। फाइनल डेट का आना बाकी है। मूल रूप से तमिल भाषा ये होगी। पैन इंडिया लेवल पर कुल 10 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सहित और भाषाओं में रिलीज किए जाने की चर्चा है। फिलहाल आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। सूर्या स्टारर कांगवा तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अहम फिल्म होने वाली है। एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे थिरुथाई शिवा, जिसके हाल ही में आए इंप्रेसिव टीजर के साथ सूर्या का फर्स्ट लुक रिवील किया गया है। और उस फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट रंजीत अंबाड़ी ने फिल्म को लेकर अपने कुछ राज बताए हैं। जी हां, उनके हिसाब से सूर्या इस फिल्म में 3 अलग अलग लुक्स में नजर आने वाले हैं और जिसमें से एक लुक तो हम सभी ने देख लिया है, यानी कि उसे रिवील कर दिया गया है, लेकिन दूसरे दोनों ही लुक्स को ना सीक्रेट रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि सूर्या और फिल्म के बाकी के एक्टर्स के लुक को तैयार करने में उन्होंने अमेरिकन फिल्म आपो कैलिप्टो से इंस्पिरेशन ली है, जो साल 2006 में आई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। और साथ ही ये फिल्म भी ना एक पीरियड एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी। अगर आप इस फिल्म के मेन कैरेक्टर और सूर्या के लुक को एक साथ देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि दोनों ही लुक्स आपस में कितने मिलते जुलते हैं, यानी कितने सिमिलर है। साथ ही रंजीत अंबाड़ी ने यह भी रिवील किया कि इस फिल्म में एक अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस और एक ट्री टॉप यानी कि पेड़ के ऊपर भी एक्शन सीक्वेंस है और ये दोनों ही सीन्स उस फिल्म की हाईलाइट भी बनने वाली है। और उनकी इस बातों से ना एक्साइटमेंट तो काफी बढ़ गई है और हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म के लिए थिरुथाई शिवा सारे लिमिट क्रॉस करके एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं खास हमारे लिए। इस फिल्म की शूटिंग होना अभी बाकी है और फिल्म के लास्ट शूटिंग शेड्यूल के लिए फिल्म की पूरी टीम चेन्नई में मिलने वाली है और नवंबर तक इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने की प्लानिंग चल रही है। अब ये हो पाता है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर बाकी के स्टार कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म के साथ दिशा पाटनी और बॉबी देओल अपना टॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं और उनके साथ साथ नटराजन सुब्रमण्यम, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, कुबई सरला, आनंद राज, रवि राघवेंद्र, के एस रवि कुमार और पी एस अविनाश जैसे एक्टर्स उस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। और इन टैलेंटेड एक्टर्स की पूरी टीम के साथ थिरुथाई शिवा इस पीरियड ड्रामा फिल्म के जरिए काफी अच्छी कमाई तो करेंगे ही और साथ ही इस फिल्म को टॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड की ऑडियंस भी मिलने वाली है, क्योंकि बाहुबली और PS1 जैसी फिल्मों के बाद टॉलीवुड की पीरियड ड्रामा फिल्म का क्रेज पूरे इंडिया में बन गया है। तमिल सिनेमा इंडस्ट्री में नई क्रांति लाने के लिए तमिल एक्टर सूर्या स्टारर फिल्म कांगवा तैयार है, जो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाओं के साथ साथ इंग्लिश, भोजपुरी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया और मराठी इन सभी भाषाओं में भी डब की जाएगी। वैसे ये सूर्या की पहली पैन इंडिया फिल्म है और इसके ग्लिम्स, ओवरऑल इम्पैक्ट, फैंस का रिस्पॉन्स ये सब देखते हुए लगता है कि भाई ये फिल्म तो कमाल करने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म 1000 करोड़ कमा पाएगी? अब 1000 करोड़ की बातें करना तो हमने बाहुबली, KGF, जवान, पठान ने सिखा दिया है, तो क्या कर सकते हैं। तो फिल्म के बारे में जितना बताया जाता है, जैसे सूर्या के डिफरेंट लुक्स,
तो वो एक स्टीलिंग पॉइंट होगा। ऊपर से इस फिल्म में हमें दो टाइमलाइंस दिखाई जाएगी, एक है बैकड्रॉप स्टोरी और दूसरी है मॉडर्न स्टोरी। तो बैकड्रॉप पर ज्यादा फोकस होगा और जो मॉडर्न स्टोरी होगी उस पर कम फोकस होगा, और ये एक यूनिवर्सल अपीलिंग स्टोरी होगी, मतलब कंटेंट अच्छा हो सकता है। अब गाने, डायलॉग्स, एक्शन, वीएफएक्स क्वालिटी, ये ट्रेलर और फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा। अब किसी भी पैन इंडिया रिलीज फिल्म को हिंदी मार्केट से फायदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कोई पैन इंडिया फिल्म कमाई नहीं कर पाती है। अब हमने ये भी कहा कि बाकी साउथ एक्टर से कंपैरिजन में सूर्या का हिंदी ऑडियंस से कनेक्शन नहीं है, पर फिर भी ग्लिम्स देखने के बाद हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स ये कह रहे हैं कि फिल्म 400 करोड़ का बिजनेस तो करेगी नॉर्थ में, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर उन्हें पोटेंशियल नजर आता है और 400 करोड़ कमाई होती है तो ये किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। अब इस फिल्म में दो बॉलीवुड एक्टर्स भी है, एक एक्ट्रेस दिशा पाटनी है और दूसरे है विलन बने बॉबी देओल। अब दिशा क्राउड पुलिंग एक्ट्रेस नहीं है, डांस के अलावा उन्हें और कुछ खास आता नहीं है। वो अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को थिएटर तक नहीं ला सकती है, क्योंकि उनकी डिक्शनरी तो जी फॉर ग्लैमर से शुरू होती है, ए फॉर एक्टिंग से नहीं। जी हाँ दोस्तों, पर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि दिशा इस फिल्म में क्यों है और वो हैरान है, तो वो इस चीज का जवाब पाने के लिए थिएटर में जा सकते हैं। पर दिशा वो नाम नहीं है जिसकी वजह से हर कोई थिएटर तक जाएगा, बल्कि बॉबी देओल वो नाम है और उनके करंट बॉलीवुड प्रेमी फिल्म देखने के लिए जाएंगे। बॉबी ने आनंद में जो किया है वो तो भाई कमाल था, उससे ना वो खुद घबरा गए, धर्मपाजी भी ना घबरा गए, ऐसा कोई विलन होता है क्या? तो बॉबी इस फिल्म के लिए बेस्ट विलन साबित हो सकते हैं, ऐसा किसी को अगर लगा है तो जरूर वैसा कुछ होगा। तो 300 से 400 करोड़ की उम्मीद तो हम रख सकते हैं, और बाकी तमिल इंडस्ट्री से फायदा होगा क्योंकि ये तमिल फिल्म है और तेलुगु में फिल्म का बढ़िया प्रमोशन किया जाएगा, उसका भी फायदा यहाँ पर हो सकता है। मतलब कि ओवरऑल 1000 करोड़ तो कमाने का पोटेंशियल इस फिल्म में अभी भी है, पर असल आंकड़े तो रिलीज के बाद ही पता चल पाएंगे। फिलहाल दोस्तों आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर मार्वल तो बहुत सारी टाइम ट्रेवल करा चुका है, अब साउथ में ऐसी फिल्मों का मजा लेने का समय आ चुका है। जी दोस्तों, पूरे इंडिया को पोंगल और संक्रांति की विशेष देते हुए सूर्या ने कंगवा को पोस्टर लॉन्च किया है। सूर्या अपने लार्जर लाइफ एक्शन मूवीज के लिए जाने जाते हैं। अब न्यू पोस्टर में सूर्या को दो डिफरेंट लुक में दिखाया गया है, जिनमें से एक को इससे पहले लॉन्च किया गया था जो एक पीरियड कैरेक्टर था, दूसरा एक न्यू कैरेक्टर है जो कि काफी मॉडर्न है, साइंटिस्ट सा लुक है। रिटन और डायरेक्टेड बाय शिवा, कंगवा स्टूडियो ग्रीन का एक प्रोडक्शन वेंचर है और सूर्या की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है जो 300 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई है। फिल्म में बॉलीवुड स्टार दिशा पाटनी, बॉबी देओल भी तमिल डेब्यू में है। एनिमल्स से विलन हाइप लेने के बाद बॉबी देओल के करियर को एक नई सक्सेस मिली है, उसका बड़ा प्रूफ इनका ये साउथ डेब्यू है। वहीं साउथ डेब्यू करने वाली दिशा पाटनी का करियर में भी इस फिल्म के बाद चल पड़े। जी हाँ, क्योंकि लास्ट बागी फ्रेंचाइजी जैसी मूवी देने के बाद इनके करियर में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ना तो टाइगर को और ना ही ऑडियंस को, यू नो व्हाट आई मीन। थोड़ी बात अब कंगवा के टाइटल को लेकर करते हैं। तमिल वर्ड कांगू का मतलब होता है आग और कांगवा का मीनिंग है अ मैन विद द पावर ऑफ फायर। अपकमिंग तमिल मूवी कंगवा के लिए टाइटल इसलिए सेलेक्ट हुआ क्योंकि ये अट्रैक्टिव, पावरफुल और मीनिंगफुल है और इसमें उन सभी 10 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है जिनमें फिल्म रिलीज होगी। इसकी स्टोरी कंगवा की कहानी एस वेंकटेशन की किताब वेलपरी पर बेस्ड है। सूर्या ने एक इवेंट पर कहा था कि वो वेंकटेशन के साथ कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी थी, अब कंगवा में एक बार फिर से एक ऐसे राजा की कहानी स्क्रीन पर उतरने वाली है जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे। आपको कंगवा का कितना इंतजार है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कंगवा जिसमें सूर्या एक साथ 6 आइकॉनिक रोल्स में नजर आने वाले थे और जो 5 नहीं 6 नहीं बल्कि पूरी 38 लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली थी और समर 2024 में आने वाली थी, जिसका क्लैश साउथ सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 के साथ होने वाला था। अब खबर ये आ रही है कि ये दोनों ही मच अवेटेड फिल्में पोस्टपोन होने वाली है। जी हाँ, बॉलीवुड ऑडियंस और ट्रेड एनालिस्ट दोनों ही इस क्लैश के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अब ये क्लैश होगा भी या नहीं ये कहना काफी मुश्किल है। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों ही फिल्मों की सीजीआई और पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में जितना टाइम माना जा रहा था
उससे कहीं ज्यादा वक्त लग रहा है और इसी वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया जा रहा है। पहले ये दोनों ही फिल्में जनवरी 2024 में आने वाली थी, एक पोंगल के वक्त और दूसरी रिपब्लिक वीकेंड पर, और दोनों के बीच घमासान क्लैश होने वाला था और फिर इन दोनों को समर 2024 में शिफ्ट किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से दोनों ही शिफ्ट हुई है अगस्त और सितंबर के बीच। पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की वजह से काफी सारी फिल्में पोस्टपोन हो चुकी है, जिसमें इस साल की एसआरके की सबसे बड़ी फिल्म जवान और प्रभास की सालार का नाम भी शामिल है। और इन दोनों ने तो ऑफिशियल डेट अनाउंस भी कर दी थी, जी हाँ, लेकिन कंगवा और इंडियन 2 दोनों ने ही कोई एक फाइनल डेट अनाउंस नहीं की थी। और पॉसिबल है कि अब इन दोनों के बीच बड़ा क्लैश ना हो और ये दोनों जवान और सालार की तरह अलग अलग डेट्स पर आ सकती है, जहां जवान को तो किसी दूसरी फिल्म का सामना नहीं करना पड़ा, वहीं सालार को डंकी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ही अगर कंगवा अगस्त 2024 में आती है तो उसे अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का सामना करना पड़ेगा, जो 15 अगस्त पर आ रही है, जो आने वाले साल की टॉप मोस्ट अवेटेड फिल्म है। इसलिए अब कंगवा के लिए कौन सी डेट सेलेक्ट होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कंगवा में सूर्या जो 6 अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं उनमें से एक को रिवील कर दिया गया है, लेकिन बाकी के 5 के बारे में अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। और उसे फिल्म मेकर्स सीक्रेट बनाकर भी रख सकते हैं, या तो सभी लुक्स के लिए एक एक मोशन पोस्टर रिलीज कर सकते हैं। अब वो क्या करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, जिससे फिल्म की हाइप बढ़ती रहे और हो सकता है कि बहुत जल्द फिल्म की बाकी के स्टारकास्ट का भी लुक रिवील हो जाए। हम सभी इंडिया की नेशनल क्रश रह चुकी दिशा पाटनी को एक वॉरियर के लुक में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और दोस्तों उनके साथ ही पहले हीरो और अब विलन के रोल्स में नए मुकाम हासिल कर रहे बॉबी देओल के लुक के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जिन्होंने एनिमल से खूब नाम कमाया। तो क्या बॉबी इस फिल्म में भी विलन का रोल ही प्ले करने वाले हैं या किसी और रोल में वो नजर आएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट। 2022 में आई कमल हासन की मूवी विक्रम में तमिल सुपरस्टार सूर्या का बस एक छोटा सा कैमियो था। रोलेक्स भाई के रोल में कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आए सूर्या को देखकर लोगों के मुंह खोले के खुले रह गए थे। जब ही सूर्या ने ठान लिया कि अब बस वापस आएगा विद द बिग बैंग, फिर उनकी अपकमिंग मूवी कंगुआ से उनका मोशन पोस्टर आया तो सिनेमा फैंस के होश उड़ में, जाहिर सी बात है। अब उसी मूवी की शूटिंग सूर्या ने पूरी कर ली है और इंस्टा पर पोस्ट शेयर की। मोशन पोस्टर में सूर्या पहाड़ पर खड़े हैं, उनके पास धनुष बाण और तलवार दोनों ही हैं। हाथों में दुश्मनों का खून पीने को तैयार कुल्हाड़ी और साथ ही एक बाज भी है। देखो लोग चाहे जितना भी दमदार हो, बॉस लगे तो इस पर कॉपी पेस्ट के ही इल्जाम है। जी कंगुआ में सूर्या के 3 लुक हैं जो सभी अमेरिकन फिल्म से इंस्पायर हैं। सिर्फ सूर्या का नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के लुक के रेफरेंस भी इसी मूवी के लिए हैं। भाई जैसे बॉलीवुड साउथ के बिना अधूरा है, वैसे ही साउथ हॉलीवुड के बिना बिन पानी की मछली है। इसकी टोपी उसके सर और इसकी टोपी उसके सर वाला हिसाब है यहाँ। खैर बात कंगुआ की स्टोरी की करें तो कंगुआ की स्टोरी एस वेंकटेशन की बुक विल पारी पर बेस्ड है। विल पारी को तमिल हिस्ट्री के 7 ग्रेटेस्ट पैट्रॉन में से एक कहा जाता है। उन्हें नेचर और आर्ट से इश्क था। कपिलार खुद पांड्या एम्पायर से आती थी, लेकिन पारी के नेचर से वो इतना इंस्पायर हुए कि उनके एम्पायर में मेन पोएट बन गए, फिर परम्बू में ही रहने लगे। विल पारी ने कई साल तीनों बड़े एम्पायर के किंग से अकेले लोहा लिया और वॉर शुरू रखी। कंगुआ यानी सूर्या की 42nd मूवी का जो फर्स्ट लुक आया था उसमें दिख रहा रेंजर वॉन शायद पारी का वही वॉर है। तमिल हिस्ट्री और लिटरेचर में विल पारी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आर्टिस्ट से ने उनके कई लुक बनाए हैं। सूर्या का लुक बिल्कुल ऐसा ही है, फायर है बॉस फायर। डायरेक्टर कौताला शिवा की मूवी कंगुआ हिंदी मलयालम तमिल तेलुगू और कन्नड़ के साथ साथ 10 इंडियन लैंग्वेज में रिलीज। इसका बजट सूर्या के करियर की सबसे कॉस्टली फिल्म में से भी 3x से ज्यादा है। इसमें आपको 3D शूट का एक्सपीरियंस मिलेगा। सूर्या के साथ कंगुआ में दिशा पाटनी और योगी बाबू है। बाबू तो आप कितने एक्साइटेड इस मूवी को लेकर। बाय बाय। साउथ सुपरस्टार एक्टर सूर्या शिवकुमार के फैंस को उनकी मच अवेटेड फिल्म कंगुआ का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का टीजर कुछ महीने पहले जारी किया गया था। मेकर्स टाइम टाइम पर इससे जुड़ी अपडेट शेयर कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर फिल्म का नया पोस्टर लॉन्च किया गया है जो आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है। कंगुआ एक्टर सूर्या की 42वीं फिल्म है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म से अपना नया लुक शेयर किया है। इस पोस्ट में
एक्टर को मशाल पकड़े देखा जा सकता है। उनके पीछे कई लोगों की भीड़ है जिन्होंने ऊपर की तरफ मशाल उठाया है। नए पोस्टर में सूर्या के इंटेंस लुक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सूर्या शिव कुमार ने फिल्म के नए पोस्टर को शेयर कर फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट में दिशा पाटनी भी शामिल है। इसके अलावा एनिमल एक्टर बॉबी देओल के भी फिल्म में होने की चर्चा तेज है। ऐसी खबर है कि वो फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर में होंगे। कंगवा की कहानी मानवीय भावनाओं के बारे में है और इसकी कहानी हजार साल पुरानी है। फिल्म दो अलग अलग समयावधियों पर आधारित है, 1500 साल से पहले और आज के समय में। ये एक काल्पनिक कहानी वाली फंतासी फिल्म है। फिल्म की टैगलाइन है, एक शक्तिशाली वीर गाथा। फिल्म के निर्देशक शिवा ने कहा कि कांगू आग के लिए प्राचीन तमिल शब्द है और कंगवा आग की शक्ति वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। फिल्म के तकनीकी दल में संगीतकार के रूप में देवश्री प्रसाद, सिनेमाटोग्राफर के रूप में वेट्री पलानीसामी और एडिटर के रूप में निशाद यूसुफ शामिल है। इसे लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है, जिससे यह अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है। दोस्तों, डायरेक्टर शिवा के निर्देशन में बनी कंगवा अगले साल यानी कि 2024 में रिलीज हो रही है। फिल्म की रिलीज डेट समर 2024 बताई गई है। फाइनल डेट का आना बाकी है। मूल रूप से तमिल भाषी ये मूवी पैन इंडिया लेवल पर कुल 10 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। इसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सहित और भी कई भाषाएं शामिल है। दोस्तों, फिलहाल आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। आने वाली सभी फिल्मों पर भारी पड़ने वाली है एक फिल्म जिसका नाम है कंगवा और जो रिलीज हो रही है 38 भाषाओं में। और इसके फर्स्ट लुक ने सभी को चौंका कर रख दिया था। साउथ सुपरस्टार सूर्या और कुरुदला शिवा के इस कोलैब का फर्स्ट लुक देखकर सभी पुष्पा 2 और कल्कि 2898 को भूल गए। और हाल ही में ये खबर आई है कि इस हिस्टोरिकल फिक्शनल फिल्म को 3D और IMAX इन दोनों ही फॉर्मेट्स में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, साथ ही फिल्म की प्रोड्यूसर्स के ज्ञानवेल राजा का ये कहना है कि उनका गोल फिल्म की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को एक नया मुकाम देना चाहते हैं को, और साथ ही तमिल सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर तो पहुंचाना चाहते ही है, लेकिन इसके साथ अपनी फिल्म को सभी रीजंस तक भी पहुंचाना चाहते हैं जहां सिनेमा नहीं पहुंच पाती है। आने वाले साल 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है और इस फिल्म की शूटिंग भी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन हाल ही में खबर के हिसाब से फिल्म के लीड एक्टर सूर्या सेट्स पर इंजर्ड हो गए थे। जी हाँ, जिस वजह से फिल्म की शूटिंग को कुछ दिनों के लिए टालना पड़ गया था, यानी कि पोस्टपोन करना पड़ा। ये किस्सा रात के 1:30 बजे हुआ था जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वो एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे, तब कैमरा का बैलेंस नहीं किया और रोप जिस पर कैमरा था वो उन पर गिर गई थी और उन्हें चोट लग गई थी। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर अपनी ठीक होने की पोस्ट भी शेयर की थी क्योंकि उनके फैंस उनके हेल्थ होने के काफी ज्यादा परेशान होते थे। और साथ ही उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि उनकी ब्लेसिंग्स की मदद से ही वो ठीक हो पाए हैं। इसके साथ ही सूर्या ने अपने स्टार बॉबी देओल को भी ना हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एनिमल के लिए भी शुभकामनाएं दी है और कहा कि उन्होंने अपने इस रोल को काफी अच्छे तरीके से निभाया है। दोस्तों, बॉबी देओल कंगवा में भी एक वॉरियर का रोल प्ले कर रहे हैं। जहां सूर्या अलग अलग 6 रोल्स प्ले कर रहे हैं, वही बॉलीवुड स्टार्स बॉबी देओल और दिशा पाटनी भी उनके जैसे ही वॉरियर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। सूर्या के अगर 6 अलग अलग किरदारों की बात की जाए तो सबसे पहले तो कंगवा या फिर कंगा, उनके साथ ही अर्थर, फिर है विकटी, फिर है मदनानकट, फिर मुकत्तर और पीरूमथाथार, जिसमें से उसका फिर कंगवा वाला किरदार रिवील हुआ है और बाकी के सभी किरदारों को तो मिस्ट्री करके रखा हुआ है। तो क्या आपने सूर्या का फर्स्ट लुक देखा और वो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। पुष्पा 2 और कल्कि 2898 के बाद अगर 2024 में और कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो है कंगवा, जिसे 38 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें साउथ सुपरस्टार सूर्या लीड रोल में है, जो एक ही फिल्म में अलग अलग 5 अवतारों में नजर आने वाले हैं और जिसके फर्स्ट लुक ने इंटरनेट पर तबाही ला दी है। लेकिन क्या कंगवा कल्कि 2898 की तरह एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट नहीं है?
हम दोस्तों में इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि फिल्म से जुड़े प्रोडक्शन हाउस के मेंबर का ये कहना है कि ये एक एक्शन इमोशनल ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसके CGI और विजुअल्स की कॉस्ट काफी बढ़ गई है और इसलिए उन्हें इस फिल्म के पैन इंडिया फिल्म के तौर पर रिलीज करना पड़ रहा है। दोस्तों उनके स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का विजन पहले से सेट नहीं था और साथ ही फर्स्ट लुक में जो VFX दिखे हैं वैसे ही VFX फिल्म में भी नजर आने वाले हैं जो इतने अच्छे नहीं थे। और हम सब ये जानते हैं कि एक पीरियड ड्रामा एक्शन के लिए VFX और CGI का अच्छा होना कितना जरूरी है जिसका बेस्ट एग्जाम्पल SS राजामौली की दोनों ही सुपरहिट मूवीज बाहुबली और RRR है। साथ ही SS राजामौली, प्रशांत नील या नाग अश्विन अपने फिल्मों के लिए अपना एक विजन सेट करने में माहिर है कि उन्हें किस तरह की फिल्म बनानी है और वो अपनी कहानी को इस तरह से बड़े पर्दे पर लाना चाहते हैं जो यहाँ पर मिसिंग लग रहा है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कल की और RRR जैसी फिल्मों के लिए जिस तरह की रिसर्च की गई थी वो इस फिल्म के लिए नहीं की गई क्योंकि कंगुआ एक एंशियंट ट्राइब की स्टोरी है। अगर इस कहानी को अच्छे से लाना होता तो फिल्म मेकर्स रिसर्च करते ना कि विकिंग्स की कॉपी करते। इसका फर्स्ट लुक देखकर तो यही लग रहा है कि ब्रेव हार्ट और एपोकलिप्टो जैसी फिल्मों की कॉपी करके एक फैंटेसी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे विवेगम थी। और दोस्तों अगर ये बात सही होती है तो इंडियन स्पाई जो वेस्टर्न यूरोप में गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है ऐसे सीन या ऐसे प्लॉट थोड़ी सी सेंस नहीं बनाएंगे क्योंकि फैंटेसी भी तभी एक्सपेक्ट की जाती है तब उस फैंटेसी वर्ल्ड में थोड़ा बहुत लॉजिक हो जैसे कि RRR में था जो फैंटेसी और रियल लाइफ स्टोरी के कॉम्बो का परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें राजामौली साहब की रिसर्च और फिर उसमें उनकी इमेजिनेशन जिस तरह से फिट हुई है दोस्तों वो वाकई ही काबिल तारीफ थी। लेकिन यहाँ फर्स्ट ग्लिम्स में ही काफी कुछ गलत होता हुआ नजर आ रहा है जैसे कि उनके जो अटायर थे वो एनिमल स्किन से बने हुए थे जो मोस्टली ठंड वाले रीजन में इस्तेमाल होते हैं। साथ ही इस फिल्म के डायरेक्टर सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपनी कहानी में हैवी लैंग्वेज को कभी शोकेस नहीं करते हैं जो कंगुआ की ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। एनिमल में अपने नेगेटिव रोल के लिए हर तरफ सुर्खियां बटोर रहे बॉबी देओल अब जल्द ही तमिल सिनेमा में डेब्यू करेंगे। वो सूर्या की फिल्म कंगुआ से तमिल फिल्मों में एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों बॉबी देओल ने खुद ये कंफर्म किया है एनिमल के बाद अब वो कंगुआ में अपने रोल की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब कंगुआ को शिवा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सूर्या और बॉबी देओल के अलावा दिशा पटनी भी नजर आएंगी। इस फिल्म को 38 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। बॉबी देओल ने कंगुआ में अपने रोल के बारे में बताया, वो इस फिल्म के साथ साथ अपने तमिल डेब्यू को लेकर बेहद एक्साइटेड है। दोस्तों आपको बता दें कि बॉबी देओल ने कहा, हाँ मैं सूर्य के साथ कंगुआ कर रहा हूँ, ये एक कमाल की टीम है, शिवा बहुत प्यारे हैं और सूर्या फिर एक अद्भुत एक्टर है, इसलिए उनके साथ काम करना सच में काफी आनंद भरा है। दोस्तों आपको बता दूं कि वहीं बॉबी देओल ने फिल्म में अपने किरदार के बारे में कहा, ये रोल मेरे कंफर्ट जोन से बाहर का है, मैं भाषा भी नहीं जानता, एक या दो महीनों में मैंने तमिल भी सीख ली। दोस्तों एक या दो महीने में मैं तमिल भी नहीं सीख सकता था लेकिन मैं इस पर काम करूंगा। आपको बता दें कि कंगुआ की कहानी एस वेंकटेश की किताब वेलपारी पर बेस्ड है। वेलपारी को तमिल इतिहास के सात महानतम संरक्षकों में से एक कहा जाता है। उन्हें प्रकृति और कला से बहुत प्रेम था। कपिलार खुद पंड्या साम्राज्य से आते थे लेकिन पारी के स्वभाव से वो इतने प्रभावित हुए कि उनके दरबार में मुख्य कवि बन गए और परम्भू में ही रहने लगे। कपिलार ने वेलपारी से जुड़े किस्से का जिक्र पुराणुरू में किया है। दोस्तों एक बार कहीं जाते हुए पारी की नजर खूबसूरत फूलों वाली एक बेल पर पड़ी। किसी चीज का सहारा ना मिलने से बेल बढ़ नहीं पा रही थी। पारी ने अपना रथ उस बेल के पास छोड़ दिया ताकि उसके सहारे से वो बढ़ सके। लेकिन जब इन्हीं पारी का राज्य घिर गया तो दूत बनकर गए कपिलार ने लड़ने आए राजाओं के सामने अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहा, हर एक पेड़ से तुम्हारे हाथी बंधे हैं, तुम्हारे रथ पूरे मैदान पर फैले हुए हैं लेकिन तुम लड़कर उनसे नहीं जीत सकते, वो तलवार के आगे नहीं झुकेगा। ऐसा ही हुआ भी था। दोस्तों वेलपारी ने कई साल तीनों बड़े साम्राज्य के राजाओं से अकेले लोहा लिया और युद्ध जारी भी रखा था और इसी पर आधारित है कंगुआ की कहानी। इसका बजट सूर्य के करियर की सबसे महंगी फिल्मों में से 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों फिल्म को 3D में शूट किया जा रहा है। सूर्य के साथ कंगुआ में दिशा पटनी और योगी बाबू भी होंगे। वहीं संदीप रेड्डीवांगा की एनिमल में बॉबी देओल अब्रार नाम के नेगेटिव किरदार में दिखे थे। इसमें उनका एक भी डायलॉग नहीं था क्योंकि किरदार मूक था, पर 15 मिनट के रोल में बॉबी देओल छा गए और दोस्तों हर तरफ उनके ही चर्चे हो रहे हैं। दोस्तों बता दें कि फिल्म में बॉबी देओल के अलावा रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी और अनिल कपूर भी थे। आपको अब कंगुआ फिल्म का कितना इंतजार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन। स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी।
तमिल सुपरस्टार सूर्या, बॉलीवुड ब्यूटी दिशा पटनी और फिल्म एनिमल के बाद डिमांड में आ चुके बॉबी देओल फिल्म कंगुआ में दिखाई देने वाले हैं। अब इन तीनों के नाम से दोस्तों यही पता चलता है कि एक हीरो है, दूसरी हीरोइन है और तीसरा विलन है। और एज यूजुअल हीरो को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो यहाँ पर सूर्य ने भी की है। अब जिस तरह से फिल्म की स्टोरी लिखी गई है उसके हिसाब से 1500 साल पुरानी टाइमलाइन से लेकर मॉडर्न जमाने तक की जर्नी सूर्य अपने कैरेक्टर के थ्रू दिखाने वाले हैं। तो इसमें दिशा पत्नी कहाँ दिखाई देंगी? अब दोस्तों आपको बता दें कि अब दिशा फर्स्ट फिल्म में लेने के बाद से कई लोगों को झटका लगा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि एक टैलेंटेड एक्टर के साथ उन्हें क्यों कास्ट किया गया होगा, ये सवाल किसी के भी मन में आएगा। तो दोस्तों वो सही भी है, पर कहानी के हिसाब से दिशा प्रेजेंट स्टोरी में दिखाई देंगी, मतलब सूर्य के मॉडर्न अवतार के साथ। अब जिस तरह से फिल्म की डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म की स्टोरी पास्ट को भी दिखाएगी और प्रेजेंट को भी, अगर आपने रामचरण की फिल्म मगदीरा देखी होगी तो उसमें हमें पास्ट और प्रेजेंट की कहानी दिखाई दी है, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में। अब उतनी डिटेल में कंगुआ की कहानी होगी कि नहीं ये तो पता नहीं है। और दोस्तों शायद प्रेजेंट स्टोरी में बॉबी देओल का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि वैसे फिल्म की शूटिंग गोवा में शुरू हुई थी और उसके अगले दिन ही दिशा ने टीम को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ फिल्म के कुछ सीक्वेंस को भी शूट किया गया। अब जो पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी है तो उसमें से जो प्रेजेंट स्टोरी होगी वो गोवा में शूट हो चुकी है और जो पास्ट स्टोरी होगी वो हमें श्रीलंका में बेस दिखाई जाएगी। वैसे दोस्तों अभी तक श्रीलंका में फिल्म की शूटिंग हुई है कि नहीं ये पता नहीं, पर पास्ट की स्टोरी श्रीलंका पर बेस्ड होगी। और जिस तरह से दिशा ने गोवा वाला सीक्वेंस शूट किया है इसका मतलब वो प्रेजेंट में होगी। वैसे कुछ भी कहो, दिशा की तो लॉटरी लगी हुई है, मतलब 2024 में कंगुआ आएगी और इसी साल उनकी फिल्म वेलकम टू द जंगल भी आएगी। वैसे इस फिल्म का VFX का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इतने बड़े मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट की VFX का काम और जल्दबाजी में किया गया ना दोस्तों, तो फिल्म पानी में बह जाएगी और प्रोड्यूसर को डुबा देगी। तो VFX पर बड़ा जोर दिया जा रहा है और मेकर्स किसी भी हाल में कोई रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए जब तक VFX का काम ठीक तरह से पूरा नहीं हो जाता तब तक फाइनल रिलीज डेट अनाउंस ना करने का प्लान किया गया है। वैसे 2024 में बॉलीवुड से इतने प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं किए गए हैं जितने कि साउथ के हैं। इसमें कमल हसन की इंडियन 2 है, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 है, जूनियर NTR की देवरा है और पता नहीं कितनी ही फिल्म है। देखते हैं दोस्तों कंगुआ कब आती है। अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा हमारी आज की राइटर ने खुद। साल 2024 की मोस्ट अवेटेड तमिल फिल्म कहलाई जाने वाली फिल्म कंगुआ के लीड एक्टर और तमिल सुपरस्टार सूर्य के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे वो तमिल इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और थलाइवा रजनीकांत, थलापति विजय, थाला अजीत कुमार, कमल हसन इन सबको बीट कर सकते हैं। वैसे उन्होंने तमिल ऑडियंस का दिल पहले ही जीत लिया है, क्योंकि पहले मतलब बहुत पहले के जमाने में ऐसा होता था कि तमिल इंडस्ट्री तेलुगु इंडस्ट्री से थोड़ा सा आगे रहा करती थी, पर अभी तेलुगु इंडस्ट्री के हीरोज डायरेक्टर्स लगातार ऐसे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जिसके कंपैरिजन में तमिल इंडस्ट्री में बहुत कम प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उस लेवल के, जिस वजह से तमिल फैंस बड़े ही डिसअपॉइंट हुए थे। पर कंगुआ के अनाउंसमेंट होने के बाद सूर्य से उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। वैसे 2023 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग साउथ इंडिया में या फिर सिनेमा में सूर्य का डोमिनेंस नजर आया उनकी फिल्म सुरई पोत्रु और जय भीम की वजह से, जिसमें उनके कैरेक्टर्स को ऑडियंस ने बहुत ही पसंद किया। पर ये काफी नहीं है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मुताबिक स्टार की पोजीशन और रैंकिंग बदलती रहती है और उस रेस में सूर्य तो रजनीकांत, विजय, कमल हसन, विक्रम से थोड़े पीछे हैं। अब विजय की फिल्म लियो ने वर्ल्ड वाइड 630 करोड़ का बिजनेस किया, रजनीकांत की जेलर ने 610 करोड़ का बिजनेस किया, कमल हसन की फिल्म विक्रम ने 450 करोड़ का बिजनेस किया, एक्टर विक्रम की फिल्म पोनियन सेल्वन ने 500 करोड़ का बिजनेस किया वर्ल्ड वाइड। इसके साथ साथ किसी भी तमिल या फिर साउथ एक्टर के लिए तमिलनाडु में होने वाला कलेक्शन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, जिसमें लियो ने 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, जेरन ने भी 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। 2022 में रिलीज हुई कमल हसन की विक्रम ने 172 करोड़ का बिजनेस किया था, पोनियन सेल्वन ने 222 करोड़ का बिजनेस कर लिया, क्योंकि कलेक्शन एक ऐसी बात है इंडस्ट्री में स्टार्स की पोजीशन डिसाइड करती है। तो अभी तक इन सब में सूर्या का नाम नहीं है, उसे देखते हुए सूर्या को एक ऐसी फिल्म की जरूरत है जो वर्ल्ड वाइड और तमिलनाडु में इन सब से भी ज्यादा का कलेक्शन कर सके, और कंगुआ ये काम कर सकती है अगर सब कुछ टॉप नॉच रहा तो। वैसे कंगुआ 38 भाषाओं में रिलीज होने वाली है, ऐसे में अगर सूर्या की इस फिल्म ने सभी मार्केट में बेहतरीन बिजनेस किया तो वो पहले ऐसे पैन इंडियन स्टार होंगे जो एक रिकॉर्ड बनाएंगे और जो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। पर अब देखना ये है कि इस एक्सपेंसिव फिल्म से सूर्या को कितना फायदा होता है,
फिलहाल आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साल 2022 की फिल्म विक्रम के जरिए एक खतरनाक कैरेक्टर से हमारी मुलाकात हुई थी जिसका नाम है रोलेक्स। और रोलेक्स कौन बने थे? यस, तमिल सुपरस्टार सूर्या। और इसके बाद वो अपनी अपकमिंग फिल्म कंगवा के जरिए लौट रहे हैं। वैसे कंगवा 2023 की थलापति विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्म लियो को फॉलो करने वाली है। अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कितना फॉलो करती है ये तो पता नहीं, पर जिस तरह से लियो का पहला गाना ना रेडी रिलीज किया गया था जिसमें हजार आर्टिस्ट नजर आए थे और गाना रिलीज करते ही ट्रेंड करने लगा था, तो कंगवा अब इसी का रास्ता अपना चुकी है। इस फिल्म में ऐसा ही एक सॉन्ग होगा जिसमें 1500 आर्टिस्ट हमें नजर आ सकते हैं। ये सुनने के बाद सूर्या के फैंस की एक्साइटमेंट तो बढ़ेगी ही, पर फैंस की एक्सपेक्टेशन है कि सूर्या उस गाने पर जबरदस्त परफॉर्म करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो सूर्या कोई डांसिंग आइकन नहीं है जिस तरह प्रजापति है या फिर अल्लू अर्जुन है, पर वो पूरी कोशिश करते हैं अपने डांस आर्ट को दिखाने की। वैसे फिल्म को लेकर थोड़ी बहुत गलतफहमी भी दिखाई दे रही है, तो देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर ने इसे दूर करना सही समझा। अब कंगवा एक हटके टाइटल है जिसमें कंगवा का मतलब होता है फायर, और कंगवा का मतलब पर्सन हु कैन विल्ड फायर। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद सूर्या एक ऐसा कैरेक्टर निभा रहे जिसके पास कोई सुपर पावर्स है, और जैसे हमने ब्रह्मास्त्र फिल्म में देखा था कि रणबीर कपूर के कैरेक्टर शिवा के पास वो अग्नि वाली सुपर पावर होती है, ऐसा ही कुछ। पर ऐसा कंगवा में कुछ नहीं होने वाला है। और ब्रह्मास्त्र को लेकर ये कहा गया था कि ये एक फैंटेसी फिल्म है, जो कि थी भी, पर कंगवा कोई फैंटेसी फिल्म नहीं है। इस फिल्म में हमें एक ऐसी कहानी बताई जाएगी जो 1500 साल पुरानी कहानी है, जो तमिलनाडु में घट चुकी है। बेसिकली ये फिल्म एक हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड है, ऐसा डायरेक्टर का कहना है। उन्हें एक इमेजिनरी वर्ल्ड को क्रिएट करना था और वो कंगवा के जरिए वो क्रिएट कर पाए हैं, ऐसा उनका कहना है। वैसे कंगवा अपने टाइटल की तरह यूनिक प्रोजेक्ट हो ऐसा फैंस और इंडस्ट्रीज इनसाइडर्स की एक्सपेक्टेशन है। वैसे ये फिल्म अप्रैल 2024 को रिलीज होगी ऐसा कहा गया है, पर ये रिलीज डेट पोस्टपोन भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई के बाद इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि फिल्म के वीएफएक्स का काम अभी होना बाकी है। तो कंगवा अब उन फिल्मों के लिए खतरा बन सकती है जो कि 2024 के सेकेंड हाफ में रिलीज होने वाली है। इस पर तो हम उन सबको बस एक ही लाइन बोलेंगे, बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है? फिल्म एनिमल के बाद बॉबी देओल का सिक्का ऐसा चल रहा है और उसकी आवाज ऐसी गूंज रही है ना कि अब साउथ वाले भी ना उनके प्यार में पड़ गए हैं। ऐसे में उन्हें सूर्या स्टारर तमिल फिल्म कंगवा में काम करने का मौका मिल रहा है, वो भी विलन के तौर पर। वैसे इस फिल्म से पहले ही उनका तमिल डेब्यू होने वाला था, पर वो प्रोजेक्ट होल्ड पर चला गया और तभी कंगवा की टीम बॉबी के पास पहुंची। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई और स्क्रिप्ट बॉबी को बहुत पसंद आ गई। ऊपर सूर्या इस फिल्म में काम करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो और खुश हो गए और उन्होंने फट से हाँ कर दी। वैसे बॉबी देओल को इस फिल्म में लिया है क्योंकि अभी वो बहुत डिमांड में जो है, ऊपर से हिंदी ऑडियंस अब उनके लिए क्रेजी हो चुकी है, और साथ ही दिशा पाटनी ऐसा ग्लैमरस फेस भी है, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी ऑडियंस को अपनी तरफ जोड़े रखने के लिए ये सब कुछ किया गया है। अब पैन इंडिया फिल्मों के लिए हिंदी बेल्ट का कलेक्शन ज्यादा मायने रखता है, ऐसे में कंगवा की हिंदी बेल्ट में अच्छी कमाई करने के स्कोप है। तमिल इंडस्ट्री की लास्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म यानी कि थलापति विजय की लियो ने टोटल 148 करोड़ का बिजनेस किया था और उसमें से 64 करोड़ हिंदी बेल्ट के थे, और विलन के तौर पर इस फिल्म में संजय दत्त नजर आए थे। उम्मीद है कि कंगवा इससे भी बढ़िया कमाई कर सके, क्योंकि अभी फिल्मों का ये हाल है कि ओरिजिनल लैंग्वेज और हिंदी बेल्ट इन दोनों से ही इनका कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। जैसे कि सालार रिलीज हुई उसमें तेलुगु और उसके बाद हिंदी, ऐसे मिलाकर सालार का कलेक्शन हो रहा है, बाकी लैंग्वेजेस से उन्हें उतना फायदा नहीं हो पाता है। तो तमिल और हिंदी मार्केट से कंगवा को फायदा होना बहुत जरूरी है। वैसे कंगवा ने फिल्म पोनियन सेल्वन जैसी सुपर हिट फिल्म का रास्ता अपनाया है। तो पोनियन सेल्वन ने एक नया रिवाज शुरू किया था, मेकर्स ने पहले पार्ट की शूटिंग चलते वक्त दूसरे पार्ट बनाने की तैयारी करके अनाउंसमेंट की, और उसी रास्ते पे चलकर कई सारी फिल्मों ने अगला पार्ट बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी, जिसमें कंगवा भी शामिल है। वैसे एक और बात यह है कि पोनियन सेल्वन और लियो की रिलीज के बाद कंगवा के भी आईमैक्स रिलीज की प्लानिंग है। जी हाँ, और इस तरह से कंगवा तीसरी तमिल फिल्म बन चुकी है जिसका आईमैक्स रिलीज होगा।
अब ये सब इसलिए क्योंकि ये एक बिग बजट फिल्म है, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए ये फिल्म, उसी की वजह से 38 भाषाओं में इसे रिलीज करने का फैसला किया गया है। ऐसे में 2D 3D वर्जन में और IMAX वर्जन में रिलीज करके इसे फायदा ही होगा, जैसे पोनियन सेल्वन को हुआ था। फिलहाल आपका इन सब पर क्या कहना? आजकल किसी भी चीज को लेकर रिकॉर्ड बनाया जा सकता है, जैसे अभी फिल्म के ग्लिम्स को लेकर भी रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, जैसे अपकमिंग तमिल फैंटेसी ड्रामा फिल्म कांगवा, जिसमें तमिल सुपरस्टार सूर्य नजर आने वाले हैं मासी क्लासी शेड्स के साथ। उनकी फिल्म के ग्लिम्स ने 24 घंटे में 22 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज कमाए और फिल्म पुष्पा 2 के ग्लिम्स के बाद ये सेकेंड फिल्म है जिसने व्यूज में रिकॉर्ड बनाया है। और यही नहीं बल्कि इसमें कांगवा ने तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD को भी पीछे छोड़ा है, जो 3 दिनों में 18 मिलियन व्यूज पर खड़ी रही। चलो इसी बात पर ठोको ताली और क्या। अब कांगवा एक मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है जिसका बजट 350 करोड़ है, तो वहीं कल्कि का बजट 600 करोड़ है, यानी बजट के मामले में कल्कि आगे है। वैसे कांगवा 38 भाषाओं में रिलीज होने वाली है और दूसरी बात VFX से कूट कूट कर ये फिल्म भरा हुआ है, पर VFX की दुनिया में झंडा गाड़ने कल्कि 2898 AD भी हाजिर है, पर कांगवा को जैसा रिस्पॉन्स मिला था ग्लिम्स के ऊपर वैसा कल्कि को नहीं मिला था। उसे VFX को लेकर क्रिटिसिज्म मिला था, चेंजेस करने के बावजूद भी सेम रिस्पॉन्स मिला था। अब कल्कि पहल रिलीज होने वाली है तो ये कहीं ना कहीं एक सबक या फिर हेल्प होगी कांगवा के मेकर्स के लिए अपनी फिल्म पर और ध्यान देने के लिए। कांगवा के मेकर्स के पास बहुत टाइम है कल्कि के रिस्पॉन्स को देखकर अपनी फिल्म पर काम करने के लिए। अब VFX के मामले में कल्कि क्या करेगी ये तो नहीं पता, पर प्रभास फिल्म बाहुबली 2 के जरिए ऑलरेडी VFX दुनिया में इतना अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं कि उनकी ये फिल्म टॉप 10 बेस्ट VFX फिल्मों में शामिल है। वैसे सूर्या की फिल्म 24 भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ VFX का करेक्ट इस्तेमाल किया गया है हर एक फ्रेम को रियल दिखाने के लिए, पर वो काफी नहीं था और अब तो कंपटीशन बढ़ चुका है। तो अब ये देखना है कि क्या सूर्या की कंगवा 24 से भी बेहतर होती है और क्या वो बाहुबली 2 से भी बेहतर होती है। अगर वो बाहुबली 2 से बेहतर हुई तो डेफिनेटली वो आधा काम कर देगी, बाकी उसके स्टोरी और कैरेक्टर्स पर डिपेंड है। और कंटेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ साथ जो फिल्म VFX के मामले में भी जबरदस्त काम करती है वो अच्छा कलेक्शन करती है, तो कांगवा को ये करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हो पाया तो पैसा वसूल हो जाएगा और तमिल इंडस्ट्री में सूर्या की पोजीशन और भी मजबूत हो जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पीरियोडिकल बैकड्रॉप विद ग्रैंड सेटिंग्स फिल्म कांगवा फैंस के बीच एंटिसिपेशन बनाए रख चुकी है। एंटिसिपेशन बढ़ने का एक रीजन ये भी है ना कि तमिल सिनेमा में फिर से एक बार पीरियोडिक जनर वापस लाया जा रहा है जो कुछ वक्त से ना कहीं गायब हो गया था, पर ये फिल्म एक मिस्ट्री कार्ड भी खेल रही है। अब वो कैसे वो हम आपको आगे बताएंगे, पर फिल्म के स्टार कास्ट में जिस तरह से सूर्या दिशा पाटनी और बॉबी देओल का नाम आता है ना, उसके साथ साथ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर भी इससे जुड़ चुकी है। फिल्म में सूर्या 6 डिफरेंट अवतार में नजर आने वाले हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर के साथ मृणाल की जोड़ी नजर आ सकती है। वैसे मृणाल की भी ना अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है जिसकी वजह से फिल्म को और ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आते हैं मिस्ट्री कार्ड की बात पर। अब मिस्ट्री कार्ड का मतलब ये है कि फिल्म की शूटिंग तो पूरी हो चुकी है पर फिल्म को लेकर ना फैंस को अपडेट देते हुए बहुत कंजूसी की जा रही है, जैसे कोई मिस्ट्री हो। उल्टा पैन इंडिया रिलीज फिल्म को लेकर प्रमोशनल स्ट्रैटेजी होती है और उनका बस बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अपडेट दी जाती है, पर कांगवा के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इनफैक्ट इसका अपोजिट हो रहा है। अब सिर्फ डायरेक्टर की यूनिक स्टोरी लाइन और स्टार कास्ट को लेकर एक्साइटमेंट जनरेट नहीं की जा सकती है ना, उसके लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज को भी तो शुरुआत देनी पड़ती है, क्योंकि ये तो नजर आ रहा है कि सूर्या जो अक्सर सोशल मैसेज बेस्ड फिल्मों पर फोकस करते हैं वो अब उससे हटकर एक पीरियोडिकल फिल्म पर फोकस कर रहे हैं जो कि उनके करियर के लिए नया है और उनके फैंस के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है, तो ऐसे में उसका बज बनाए रखना चाहिए। अब फिल्म के प्रोड्यूसर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। उन्होंने कहा है कि वो फिल्म को लेकर बहुत बढ़िया प्लानिंग कर चुके हैं, पर उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि किस मार्केट में किस तरह की पब्लिसिटी करने पर उन्हें एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिलेगा, ये वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर
अगर ऐसा है तो उन्हें सही पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को साथ लेकर फिल्म का प्रमोशन करना चाहिए जो उस स्पेसिफिक मार्केट में सही से प्रमोशन कर सके। अब फिल्म का सक्सेस सूर्या की पीरियोडिक जनब में इम्पैक्ट डालने की एबिलिटी का प्रमाण बनेगी, इसलिए काफी उम्मीदें लगाई जा रही है। पर ये इसके रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि ये फिल्म सच में अपने गोल को पूरा कर पाती है या फिर नहीं। वैसे फिल्म की टीम तेलुगु मार्केट में फिल्म को रिलीज करते वक्त बहुत ज्यादा खबरदारी लेने वाली है। देखते हैं कि कंगवा जैसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट प्रमोशनल एक्टिविटीज के थ्रू सभी मार्केट में ऑडियंस को किस तरह से अपील करता है। फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तमिल सुपरस्टार सूर्या के करियर के लिए अगले 3-4 साल बहुत लकी साबित होने वाली हैं, ऐसी भविष्यवाणी उन्हें और उनके करियर को लेकर की गई है। ऐसे में उनका मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट जिसका नाम है कंगवा, जो 2024 में रिलीज होने वाला है, तो दोस्तों वो और उसके बाद के कई सारे प्रोजेक्ट्स पर सबकी निगाहें होंगी। वैसे कंगवा की रिलीज डेट अभी के लिए तो अप्रैल 2024 बताई जाती है। ऐसे में जूनियर NTR की फिल्म देवरा 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली है। अब कंगवा का भव्य दिव्य नजारा देखकर ऐसा लगता है कि वो देवरा के लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल साबित हो सकती है। देवरा एक पैन इंडिया फिल्म है और कंगवा भी। अब देवरा हो या कंगवा, साउथ मार्केट मतलब तमिल तेलुगु भाषाओं में ये कितना कलेक्शन करती है इस पर सबकी नजरें होंगी दोस्तों, क्योंकि भले ही पैन इंडिया फिल्म कहलाई जाए पर मलयालम और कन्नड़ भाषा से ज्यादा तमिल तेलुगु कलेक्शन पर सबकी नजरें होती है और साथ ही हिंदी कलेक्शन का भी बहुत बड़ा मैटर करता है। दोस्तों NTR की फिल्म को जोर दिखाना पड़ेगा और कंगवा को भी, पर कंगवा का फायदा यह है कि वो 38 भाषाओं में रिलीज होने वाली है तो कलेक्शन का स्कोप बहुत बढ़ता है। अब उसका स्कोप तो बढ़ेगा पर ऐसे में वो देवरा को अकेले कमाई करने थोड़ी देगी, और अगर दो फिल्मों के बीच रिलीज को लेकर कम गैप हो तो फिर स्क्रीन्स को लेकर प्रॉब्लम होगी। अब कंगवा की तैयारी देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि वो पीछे हटेंगे, तो देवरा के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जैसे प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 भी 2024 में रिलीज होने वाली थी पर अब इसकी रिलीज डेट 12 जनवरी है, शायद कंगवा की वजह से ही ऐसा हुआ हो। तो दोस्तों कंगवा का ओवरऑल नजारा देखते हुए कोई भी इस फिल्म के साथ कम्पीट नहीं करना चाहेगा। जैसे कंगवा के सेट पर एक बहुत बड़ा दोस्तों हादसा होते होते रह गया जिसमें सूर्य की जान को खतरा भी साबित हो सकता था। मतलब एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस करते हुए सारी सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए भी कुछ गड़बड़ हो गई, कैमरा गिर गया और सूर्य को बहुत बड़ी इंजरी होते हुए रह गई। वैसे साउथ फिल्मों के साथ ऐसा बहुत कम बार होता हुआ दिखाई दिया है जहां एक्शन सीक्वेंस में शूट करते वक्त एक्टर्स की जान खतरे में आ चुकी हो, जैसे फिल्म मार्क एंटोनी के सेट पर हुआ था। अब मेगस को इतना बड़ा एक्शन सीक्वेंस शूट करना बहुत महंगा पड़ सकता है। अब प्रोजेक्ट महंगा है इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज महंगी हो, और वैसे भी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। देखते हैं ऐसे में कौन से एक्शन सीक्वेंस शूट किए हैं जो सूर्य को भारी पड़ सकते हैं, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हमारी आज की राइटर है तृप्ति। फिल्म कांगवा का टीजर देखकर हर किसी के मुंह से निकल रहा है कि ये 10 बाहुबली के समान है, 10 KGF के समान है, 10 कांतारा के समान है। तो सोचिए टीजर ने क्या जादू क्रिएट किया है। तो ये तो बस टीजर है, ट्रेलर और फिल्म तो बाकी है मेरे दोस्त। तमिल सुपरस्टार सूर्य और बॉलीवुड के लॉर्ड बॉबी देओल की ये फिल्म विजुअली स्टनिंग है और ये इंडियन सिनेमा में एक ऐसा बेंचमार्क सेट करने वाली है, इसकी गारंटी है। फिल्म में हमें 2 टाइमलाइंस दिखाई जाएगी, एक 1700 AD वाली और एक मॉडर्न वाली। तो मेकर्स ने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि हीरो का अधूरा रह गया मिशन वो आने वाले वक्त में पूरा करेगा, और टीजर से हम समझ रहे हैं कि बॉबी और सूर्या के बीच जो फाइट है जो अलग टाइमलाइन में सेट है वो अभी भी बाकी है। मतलब इसमें रीबर्थ एंगल दिखाया जा सकता है, यानी कि पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म एंगल इसका सेंट्रल प्लॉट हो सकता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जरूर है जिस पर बॉलीवुड और साउथ में कई सारी फिल्में ऑलरेडी बन चुकी है, पर इस कंसेप्ट को सही ढंग से हैंडल करना बहुत जरूरी है। विजुअल ट्रीट के तौर पर कांगवा 100 में से 1000 मार्क्स तो ले चुकी है, इसलिए अब सारी निगाहें फिल्म की स्टोरी लाइन और एग्जीक्यूशन पर होने वाली है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन भी टॉप नॉच होना चाहिए वरना सब किया कराए बना पानी पड़ जाएगा। अगर उसमें कमजोरी दिखी तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऐसे प्लॉट्स को हैंडल करने का करिश्मा इससे पहले साउथ में राजामौली ने ही दिखाया है अपनी फिल्म रंगस्थलम और ईगा में जो पुनर्जन्म पर बेस्ड थी। रंगस्थलम तो ऐसी पहली तेलुगु फिल्म थी जो 100 करोड़ में शामिल हुई और ईगा ने 125 करोड़ का बिजनेस किया, और ये दोनों बाहुबली से पहले रिलीज हुई थी। ये फिल्म पुनर्जन्म को मजबूती से दिखाती है विद इमोशंस और एक्शन। इस तरह की मजबूती कांगवा में भी दिखने की जरूरत है, और अगर ऐसा हुआ तो फिल्म को छक्के चलाने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे टीजर में हम देख रहे हैं वॉयलेंस कितना ज्यादा है, कहीं पर हड्डियों से भरा पेड़ है, उसके नीचे पानी में लोग डांस कर रहे हैं, कोई सर काट रहा है,
और ऐसी वॉलेंट फिल्म ये सर्टिफिकेट ही डिजर्व करती है ना, उसे तो कुछ और सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। और इसकी एक्शन कोरियोग्राफी की है सुप्रीम सुंदर ने। सुप्रीम सुंदर एक पॉपुलर इंडियन एक्शन और स्टंट कोरियोग्राफर है। इन्होंने ही एनिमल में रणबीर कपूर और बॉबी को कोरियोग्राफ किया था। जी हाँ, जो भी काफी वॉयलेंट था उनका फेस ऑफ कोरियोग्राफ इन्होंने किया था। और सुप्रीम सुंदर की खास बात तो ये दोस्तों कि उनके एक्शन इतने एक्सट्रीम लेवल के होते हैं ना कि उसमें एक इंसान की बॉडी, अहंकार और दिल सब कुछ ना हर्ट हो जाता है। बहुत ही भयंकर पंचेस होते हैं जो फिल्म के पोस्टर से ही समझ में आता है। जैसे अजीत कुमार की थुनीपू फिल्म का पोस्टर ब्लड शेडेड है क्योंकि इस फिल्म में खून खराबा एक्शन एक्सट्रीम लेवल का है। और इससे भी 10 गुना बढ़िया हमें कांगवा में देखने को मिलने वाला है बॉबी और सुर्या के बीच में। और पता नहीं एक्शन की दुनिया में कांगवा कौन सा अलग इतिहास रचेगी। तो आप इसके लिए कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कंगुआ का एक काफी दमदार ट्रेलर आ गया है हमारे सामने, जिसे देखकर हम एक ही चीज कह सकते हैं, व्हाट अ रूथलेस वॉर इज अबाउट टू हैपन। क्योंकि उसमें हमने क्लियरली देखा कि दो ग्रुप्स के बीच में हो रही वॉर जो बाहुबली सागा में दिखी कालकई और माहेश्वति की सेना के बीच की वॉर से भी काफ़ी खतरनाक थी। और अब इस ट्रेलर को देखने के बाद एक पॉसिबल स्टोरी लाइन आई है सामने। तो अगर आप भी ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आखिर ये सब लड़ क्यों रहे हैं, तो बने रहें हमारे साथ एंड तक। तो कहा जा रहा है कि सूर्या इस मूवी में एक माइटी वॉरियर का किरदार निभा रहे हैं। और जिस तरह का ट्रेलर हमने देखा, हम कह सकते हैं कि मेकर्स इस मूवी को एक बड़े स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रेलर के आने के साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि इस मूवी के ओटीटी राइट्स प्राइम वीडियो ने खरीद लिए हैं, जिसकी अनाउंसमेंट मुंबई में प्राइम वीडियो के मेगा इवेंट में की गई थी। और यहीं से हमें पता चला कि क्या होगी मूवी की पॉसिबल स्टोरी लाइन, जिसके हिसाब से कंगुआ एक ऐसे हीरो की कहानी है जो 500 साल ट्रैवल करता है, यानी कि 1700 से लेकर 2023 तक, ताकि वो अपने अधूरे मिशन को पूरा कर सके। और ये अधूरा मिशन मूवी के मेन विलन बॉबी देओल के आसपास ही है, जिनका रुदलेस अवतार देखकर ऐसा लग रहा है कि एनिमल मूवी में जो कसर बाकी रह गई थी वो इस मूवी में बॉबी पूरी करने वाले हैं। और एक एनिमल की तरह ही सूर्या के कंगुआ वाले किरदार पर टूट पड़ने वाले हैं। इस पॉसिबल स्टोरी लाइन को सुनने के बाद जो ये थ्योरी घूम रही थी कि सूर्या इस मूवी में 6 अवतार अलग अलग एरा या टाइमलाइन के हिसाब से होने वाला है, वो सही साबित हो गई। और साथ ही अगर ये एक ही योद्धा की कहानी है जो 500 साल ट्रैवल करता है, तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये योद्धा हर एरा या टाइमलाइन में कंगुआ के तौर पर रीबॉर्न होता होगा। और जब तक इसका असली मकसद जो मूवी के विलन को मारने का है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो हर टाइमलाइन में रीबॉर्न होता ही रहेगा। और इसका मतलब ये भी है कि हम बॉबी देओल जो मेन विलन है उनके भी अलग अलग अवतार देखने को ते रहेंगे और देखने को मिलेगा, जो अलग अलग लुक में आकर कंगुआ को चैलेंज करता होगा। आपका इस पर क्या कहना है बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे, बाय बाय। साल 2024 की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल तमिल सुपरस्टार सूर्या की मूवी कंगुआ एक मेगा बजट, हाई कॉन्सेप्ट और पावर हाउस सागकास्ट के साथ बनाई गई मूवी है, जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। VFX और एडिटिंग का काम भी धीरे धीरे हो रहा है और अब डबिंग भी शुरू हो चुकी है। इस मूवी की टीम ने सोशल मीडिया पर डबिंग के कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं, जहां पर सूर्या एक स्टूडियो में नजर आते हैं। चेन्नई के आदना आर्ट स्टूडियोज में डबिंग हो रही है, जिसके साथ टीम ने कैप्शन में ये लिखा है कि हिज प्रेजेंस सेट आवर स्क्रीन्स अब्लेज एंड नाउ हिज वॉइस विल राइन सुप्रीम। मतलब मूवी में सूर्या अपने प्रेजेंस से जो तड़का लगाने वाले हैं, वैसा ही जादुई तड़का वो अपनी आवाज से भी लगाएंगे। और उनकी आवाज कितनी दमदार है, कितनी इंटेंसिटी है उसमें, ये तो हमें पता ही है। मूवी विक्रम का उनका रोलेक्स वाला कैरेक्टर आपको याद ही होगा। वैसे कंगुआ मूवी की लैंग्वेज रिलीज स्ट्रैटेजी इस मूवी का एंटिसिपेशन बनाए रखी है, जैसे कि ये मूवी 38 भाषाओं में रिलीज होगी, मतलब डब भी होगी। वैसे सूर्या ने अपने कैरेक्टर की डबिंग पूरी की है और सिर्फ तमिल भाषा में डबिंग पूरी की है, पर जिस तरह से सूर्या मूवी में 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स में नजर आने वाले हैं, जैसे कि अराथर, वेंकाटेर, मंडनकर, मुकातर और पेरू मनंथर, इन कैरेक्टर्स में तो उन अलग अलग कैरेक्टर्स की उन्होंने डबिंग की है। खैर, इस मूवी में सूर्या के साथ साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और एनिमल के बाद भगवान बने बॉलीवुड बॉबी
देखते हुए नजर आएंगे। जहां पर दिशा का कैरेक्टर ऐसा होगा जो सूर्या के मॉडर्न कैरेक्टर के साथ दिखाई देगा, तो वहीं बॉबी देओल विलन का रोल प्ले करेंगे जो हमें दो टाइमलाइंस में नजर आ सकते हैं, जैसे कि एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन और एक मॉडर्न टाइमलाइन। उस हिसाब से उनके एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए गए हैं और बॉबी का वॉरियर वाला पोस्टर भी हमने देखा था जैसे सूर्या का देखा था। अब 300 करोड़ में बनी इस मूवी की डबिंग बॉबी देओल और दिशा पाटनी कब शुरू करेंगे तो आगे चलकर पता चलेगा। अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। एक्शन फिल्मों को हमेशा से ही प्यार मिला है जिसमें कंगुवा भी अब शामिल हो गई है। लास्ट ईयर सूर्या के बर्थडे पर 22 जुलाई को फिल्म कंगुवा का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था। इसे कंगुवा ग्लिम्स नाम दिया गया। 2.25 मिनट की इस वीडियो में हमें कंगुवा की दुनिया की झलक दिखाई गई। ये पैन वर्ल्ड फिल्म बताई जा रही है जिसे दुनिया भर में 10 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। बीच के मामले में अब तक सिर्फ SS राजमौली की फिल्में ही ग्लोबली अपनी पहचान बना पाई हैं। अब इंडिया में कई ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसे इंडिया के अलावा वर्ल्ड वाइड भी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा। कंगुवा वैसी ही फिल्म है। कंगुवा का फर्स्ट लुक काफी हिंसक था, 300 वाली वाइब आ रही है मगर डार्क शेड में। फिल्म से आई ये क्लिप सूर्या के कैरेक्टर के बारे में बात करती है। बताया जाता है कि कंगु बड़ा शूरवीर योद्धा था, पूरा इलाका उससे थर्राता था। ये सारी बातें बैकग्राउंड में चल रहे गाने की मदद से ऑडियंस तक पहुंचती हैं। इसके बाद सूर्या की एंट्री होती है, गले में बागों के पंजों का माला और चेहरे पर मास्क लगाए खूंखार लुक के साथ। हालांकि इस क्लिप में वो सिर्फ एक लाइन कहते हैं, क्या बात है। यह हम कंगुवा गेम्स की हिंदी वर्जन की बात कर रहे हैं। ओरिजिनली ये फिल्म तमिल भाषा में बनी है मगर इसे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने सभी भाषाओं में अलग अलग ग्लिम्स रिलीज नहीं किया, एक ही ग्लिम्स में 5 भाषाओं के ऑडियो ट्रैक्स जोड़ दिए। आप जिस भाषा में वो देखना चाहें सेटिंग में जाकर जो भाषा चुन सकते हैं चुन ले। इस बात की जानकारी वीडियो शुरू होने से पहले दी जाती है। अब टीजर को भी सेम पैटर्न में 14 अप्रैल को रिलीज करने की उम्मीद है जो टीजर कम ट्रेलर का काम कर सकता है। कंगुवा को 350 करोड़ रुपए के बजट में ग्लिम्स में आपको फिल्म का लार्ज स्केल नजर आता है। VFX का ढेर सारा काम है जो कि सैटिस्फाइंग है। ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में वर्ल्ड लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा मगर ये फिल्म इंसानी इमोशन के बारे में है, इसीलिए फिल्म के इमोशनली पर्सपेक्ट को भी खास ख्याल रखा गया है। ये भी दावा दिया गया है कि फिल्म वेलर के शासक वेलपारी की कहानी पर आधारित हो सकती है। कंगुवा में सूर्य एक साथ अकेले नहीं दिख रहे हैं बल्कि उनके साथ दिशा पाटनी लीड रोल पर हैं। हालांकि ग्लिम्स वीडियो में दिशा नजर नहीं आती है। खबरें हैं कि फिल्म में सूर्या का ऑपोजिट जो रोल विलन प्ले करने वाले हैं उसका किरदार बॉबी देओल करेंगे। शायद इन्हें भी टीजर में रिवील किया जाए। कंगुवा को सिवा ने डायरेक्ट किया है। ये सुपरस्टार अजीत कुमार को लेकर वीरम, वेदलम, विवेकम और विश्वासम जैसी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। सिवा की पिछली फिल्म रजनीकांत की साथ थी। बताया जा रहा है कि कंगुवा ने फिल्म से कोई क्लिप रिलीज होने से पहले ही अपनी लागत वसूल ली थी। 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अमेजोन प्राइम वीडियो ने कंगुवा के साउथ इंडियन भाषाओं के डिजिटल राइट्स 80 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। वही फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए थिएटर राइट्स टैन स्टूडियोज ने 100 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। ये वही स्टूडियो है जिसने RRR से लेकर PS 1, 2, विक्रम और सीता रामम जैसे फिल्मों को हिंदी में रिलीज किया था। प्रभास की आने वाली फिल्म प्रोजेक्ट के हिंदी थिएट्रिकल राइट्स भी पैन स्टूडियोज ने ही खरीदे हैं। कंगुवा की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। खबरें हैं कि इसे 2024 की मिड में रिलीज किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये 9 मई को कल्कि के साथ क्लैश करने की जरूरत करेंगी या इंडिविजुअल डेट चुनेंगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep watching Bollywood Studios. कॉलीवुड पावर हाउस स्टार सूर्या की अपकमिंग मूवी कंगुवा के सीजन टीजर ने कुछ ही घंटों में करोड़ों व्यूज अपने नाम किए और टीजर देखकर लग भी नहीं रहा कि पीरियड एक्शन ड्रामा सिर्फ 150 दिनों में पूरा हुआ है, मतलब लगभग 5 महीनों में, जबकि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए 4 से 5 साल तो लगते ही हैं। वैसे सूर्या जैसे टैलेंटेड स्टार का डांस देखना रेयरली उनके फैंस के लिए नसीब होता है, पर कंगुवा के जरिए वो फिर से पॉसिबल होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि 1500 डांसर्स उनके साथ नजर आने वाले हैं। वैसे भी कंगुवा ट्राइब्स की कहानी है और ट्राइब्स में एक दो लोग नहीं होते, ऐसे में इतने आर्टिस्ट तो होंगे ही और शायद ये सूर्या का इंट्रोडक्शन सॉन्ग हो। वैसे भी हिंदी हो या साउथ, 1000-1500 डांसर्स गानों पर करोड़ों खर्च करना ये तो अब फैशन ही है। जवान में जिंदा बंदा गाने में शाहरुख खान के बाद हजारों फीमेल आर्टिस्ट थी। थलापति विजय की लियो ने नार रेड्डी गाने में भी 1500 डांसर्स रखे थे। वैसे सूर्या ने इतनी डांसर्स के साथ इससे पहले 2011 की उनकी साइंस फिक्शन मूवी 7 आर्म अरिवू में
परफॉर्म किया था, जो गजनी फिल्म डायरेक्टर एआर मुर्गदॉस की मूवी थी। वैसे कंगुआ में उन्हें कोरियोग्राफ कर चुके कोरियोग्राफर प्रेम रशीद और शोभी। अब प्रेम रशीद साउथ के पॉपुलर कोरियोग्राफर है, जिन्होंने ग्लोबल सेंसेशन ट्रिपल आर के नाथू नाथू की कोरियोग्राफी की थी, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर भी मिला। बाहुबली का मनोहारी गाना भी उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। वो गाने के एसेंस को पकड़ने और हुकअप स्टेप्स में बहुत ही माहिर है। दूसरा नाम है कॉलीवुड कोरियोग्राफर शोभी। इन्होंने बीगल, लहंगा, दरबार, 2021 की ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा द राइज, 2023 की ब्लॉकबस्टर मूवी जवान के लिए भी कोरियोग्राफी की थी। खैर अब आप बताओ कितने एक्साइटेड हो कंगुआ को लेकर। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। पुष्पा 2 और कल्की 2 8 9 8 AD के बाद अगर साल 2024 में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो है कांगुआ, जिसे 38 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें साउथ सुपरस्टार सूर्या लीड रोल में है, जो एक ही फिल्म में अलग अलग 5 अवतारों में नजर आने वाले हैं और जिसके फर्स्ट लुक ने इंटरनेट पर तबाही ला दी थी। लेकिन क्या कांगुआ कल्की 2 8 9 8 AD की तरह एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट नहीं है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिल्म से जुड़े प्रोडक्शन हाउस के मेंबर का ये कहना है कि ये एक एक्शन इमोशनल ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसकी CGI और विजुअल्स की कॉस्ट काफी बढ़ गई थी और इसलिए उन्हें इस फिल्म को ना पैन इंडियन फिल्म के तौर पर रिलीज करना पड़ रहा है। जी हाँ, उनके स्टेटमेंट से ना एक बात तो क्लियर हो गई है कि इस फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का विजन जो था वो पहले से सेट नहीं था। और साथ ही फर्स्ट लुक में जो VFX दिखाई दिए हैं वैसा ही VFX फिल्म में भी नजर आने वाले हैं, जो इतने अच्छे तो नहीं थे। और हम सब ये जानते ही है कि एक पीरियड ड्रामा एक्शन के लिए VFX और CGI का अच्छा होना कितना मायने रखता है, कितना जरूरी है। जिसका बस एग्जांपल है SS राजामौली की दोनों ही सुपरहिट मूवीज बाहुबली और RRR। साथ ही SS राजामौली, प्रशांत नील या फिर नाग अश्विन अपनी फिल्मों के लिए अपना एक विजन सेट करने में माहिर है कि उन्हें किस तरह की फिल्म बनानी है और वो अपनी कहानी को किस तरह से बड़े पर्दे पर लाना चाहते हैं, जो यहाँ पर तो फिलहाल के लिए मिसिंग लग रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कल्की और RRR जैसी फिल्मों के लिए जिस तरह की रिसर्च की गई थी उस तरह की रिसर्च इस फिल्म के लिए नहीं की गई है। जी हाँ, क्योंकि कांगुआ एक एंशिएंट ट्राइब की कहानी होने वाली है। अगर इस कहानी को अच्छे से लाना होता तो फिल्म मेकर्स रिसर्च तो करते ही ना कि कहीं से कॉपी करते। इसका फर्स्ट लुक देखकर तो यही लग रहा है कि ब्रेवहार्ट और एपोकैलिप्टस जैसी फिल्मों की कॉपी करने की मेकर्स कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक फैंटेसी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म थी। अब ये तो गलत है ना, क्योंकि जो ओरिजिनलिटी है ना वो कहीं ना कहीं फिर मिसिंग लगेगी और लोग इससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और फिर से लग जाएगा कॉपी करने का मोहर इस पर। अब ऐसे सीन या फिर प्लॉट थोड़ी ना सेंस बनाएंगे जो कि पहले से कॉपीड है, क्योंकि फैंटेसी तभी एक्सपेक्ट की जाती है ना जब उस फैंटेसी वर्ल्ड में ना थोड़ा सा लॉजिक हो, यानी कि कुछ अपना हो, कुछ ओरिजिनल हो। जैसे कि RRR में था, जो कि फैंटेसी और रियल लाइफ स्टोरी के कॉम्बो का परफेक्ट एग्जांपल है, जिसमें राजामौली साहब की रिसर्च और फिर उसमें उनकी इमेजिनेशन जिस तरह से फिट हुई है वो काफी काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ फर्स्ट ग्लिम्स में ना काफी कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि जो अटायर थे वो एनिमल स्किन से बने हुए थे, जो मोस्टली ठंड वाले रीजन में इस्तेमाल होते हैं। साथ ही जो फिल्म के डायरेक्टर है शिवा, वो कहानी में ना हैवी लैंग्वेज को कभी शोकेस नहीं करते हैं, जो कांगुआ की ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से बिल्कुल गलत होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साल 2024 की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट निकाली जाए तो कांगुआ का नाम आप उसमें टॉप 5 में देख सकते हैं। तमिल सुपरस्टार सूर्या स्टारर कांगुआ इसी साल हाजिर होने के मूड में है। फिल्म की शूटिंग तो पूरी हो चुकी है, वैसे बीच में मेकर्स कहीं गायब हो गए जिसकी वजह से फैंस को अपडेट नहीं मिल पा रहे थे, पर अभी एक ऐसी अपडेट मिली जिसकी वजह से फैंस तो खुश हो जाएंगे। दरअसल इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा है और वो देखने के लिए सूर्या ने स्पेशल विजिट भी कराई है। दरअसल इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर वेतरी पलानी सामी ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स शेयर की है, जहां पर एक स्टूडियो में सूर्या, डायरेक्टर शिवथाई शिवा, वेतरी पलानी सामी एंड एडिटर निषाद यूसुफ सभी उस पिक्चर पर साथ नजर आते हैं।
और सूर्या के स्पेशल विजिट करने से सब लोग काफी खुश हैं। दोस्तों, इस पिक्चर से ये समझ में आता है कि फिल्म के VFX और एडिटिंग का काम साथ में सही से चल रहा है। 3D और IMAX फॉर्मेट में रिलीज होने वाली कांगवा का काम डिसिप्लिन के साथ चल रहा है। ये देखकर फैंस बहुत खुश हुए और इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद फिल्म की डबिंग का भी काम शुरू होगा जो मोस्ट प्रोबेबली 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। वैसे जल्द ही इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर खबर मिलने वाली है जिसके पीछे देवी श्री प्रसाद का हाथ होने वाला है जिन्होंने पुष्पा में सामी सामी श्रीवल्ली से हमें एंटरटेन किया था। 350 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 10 से ज्यादा भाषाओं में रिलीज होने वाली है जिसकी वजह से इसका एंटीसिपेशन और बढ़ चुका है और ये सोनाली करियर की पहली पैन इंडिया फिल्म है। फिल्म के स्टारकास्ट की बात करें तो उसमें लीडिंग लेडी दिशा पाटनी और विलन के तौर पर बॉबी देओल नजर आएंगे, साथ ही योगी बाबू जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी होंगे। फिल्म में सोनिया टोटल 6 लुक्स में नजर आएंगे। इस फिल्म में अभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की सवारी कराई जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसमें टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। वैसे इस फिल्म में हमने सोनिया की वॉरियर लुक और करेंट टाइमिंग वाले लुक को देखा है पोस्टर्स के जरिए। उससे पता चलता है कि स्टोरी हिस्टोरिकल रेफरेंस और मॉडर्न टाइम दोनों को दिखाई। वैसे आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। निर्मल के बाद बॉबी देओल का सिक्का ऐसा चल रहा है, उनकी आवाज ऐसी गूंज रही है ना कि आप साउथ वाले भी ना उनके प्यार में पड़ गए हैं। ऐसे को सुपर स्टार ऑफ फिल्म कांगवा में ना काम करने का मौका मिल रहा है वो भी विलन के तौर पर। वैसे इस फिल्म से पहले उनका तमिल डेब्यू होने वाला था पर वो प्रोजेक्ट होल्ड पर चला गया और तभी कांगवा की टीम बॉबी के पास पहुंची। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई और स्क्रिप्ट बॉबी को बहुत पसंद आ गई। ऊपर से सूर्या इस फिल्म पे काम करने वाले हैं जिसकी वजह से वो और खुश हो गए और उन्होंने हाँ कह दी। वैसे बॉबी देओल को इस फिल्म में लिया है क्योंकि अभी वो बहुत डिमांड में है। ऊपर से हिंदी ऑडियंस अब उनके लिए क्रेजी हो चुकी है और साथ ही दिशा पाटनी ऐसा ग्लैमरस पीस भी इस फिल्म से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हिंदी ऑडियंस को अपनी तरफ जोड़ के रखने के लिए ये सब कुछ दिया गया है। अब पैन इंडिया पर्वों के लिए हिंदी बर्थ का कलेक्शन ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में कांगवा को हिंदी बर्थ में अच्छी कमाई करने का स्कोप है। तमिल इंडस्ट्री की लास्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म यानी कि थलापति विजय की लियो ने टोटल 1.8 करोड़ रुपीज का बिजनेस किया था और उसमें से 64 करोड़ रुपीज तो हिंदी बर्थ के थे और विलन के तौर पर इस फिल्म में संजय दत्त नजर आए थे। उम्मीद है कि कांगवा इससे भी बढ़िया कमाई कर सकती है क्योंकि अभी फिल्मों का ये हाल है कि ओरिजिनल लैंग्वेज और हिंदी बेल इन दोनों से ही इनका कनेक्शन ज्यादा हो रहा है। जैसा कि सालार रिलीज हुई उसमें तेलुगु और उसके बाद हिंदी ऐसे मिलाकर सालार का कनेक्शन हो रहा था, बाकी लैंग्वेजेस से उन्हें उतना फायदा नहीं हुआ तो तमिल और हिंदी मार्केट से कांगवा को फायदा होना बहुत जरूरी है। वैसे कांगवा ने पर पोनियन सेल्वन जैसी सुपर हिट फिल्म का रास्ता अपनाया है। एक तो पोनियन सेल्वन ने एक नया रिवाज शुरू कर दिया, विकल्प ने पहले पार्ट की शूटिंग चलते वक्त दूसरे पार्ट बनाने की तैयारी करके अनाउंसमेंट कर दी और उसी रास्ते पर चलकर कई सारी फिल्मों ने अगला पार्ट बनाने की प्लानिंग शुरू की जिसमें कांगवा भी शामिल है। दोस्तों, वैसे एक और बात ये है कि पोनियन सेल्वन और लियो की रिलीज के बाद कांगवा की भी IMAX रिलीज की प्लानिंग है और इस तरह से कांगवा तीसरी तमिल फिल्म बन चुकी है जिसका IMAX रिलीज होने वाला है। अब ये सब इसलिए क्योंकि ये बिग बजट फिल्म है, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक ये फिल्म पहुंचनी चाहेंगे, उसी की वजह से 38 भाषाओं में इसे रिलीज करने का भी फैसला लिया गया है। ऐसे में 2D 3D वर्जन में और IMAX वर्जन में रिलीज करके इसे फायदा नहीं होगा जैसे पोनियन सेल्वन को हुआ था। तो आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेलो, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। लगता है तमिल फिल्म इंडस्ट्री में क्रांति में क्रांति हो रही है भाई। अब हॉलीवुड हो, साउथ हो, एक्शन के मामले में कोई किसी से कम नहीं है। पर साउथ में स्पेशली तमिल इंडस्ट्री की बात करें तो तमिल की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म में ऐसा एक्शन होने वाला है जो अब तक किसी तमिल फैन ने नहीं देखा होगा और ना किसी तमिल फिल्म में ऐसा मास लेवल दिखाया गया होगा। तो उस फिल्म का नाम है सीनियर स्टारर कंगवा। जी हाँ दोस्तों, आज एक्शन और मास लेवल को लेकर मेकर्स बहुत अलर्ट रहते हैं। पैन इंडिया फिल्मों में तो एक्शन टॉप नॉच होना चाहिए और उसमें भी अगर कुछ ऐसे सीक्वेंस ऐड करो जो पहले कभी नहीं हुए हैं तो उस फिल्म को टॉप ऑफ द टाउन बना देते हैं। जैसे कि सूर्य की फिल्म कंगवा में अंडर वाटर
एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा, फिर एक ऐसा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा जिसमें सूर्य पेड़ की टहनी पर या उस पेड़ ट्री ब्रांचेस भी कह सकते हैं उस पर एक्शन करते हुए नजर आएंगे। अब ये VFX की मदद से होगा ऐसा नहीं लगता। उसके बाद समुद्र के बीचों बीच एक फाइट सीक्वेंस दिखाया गया, शायद ये जबरदस्त बेस्ट सीन होने वाला है दोस्तों। अब इतने खतरनाक एक्शन सीक्वेंस फिल्म में शामिल किए गए हैं जो पहले किसी भी फिल्म में शामिल नहीं किए गए थे, ऐसे में कंगो का हाइप तो बढ़ेगा ही, और अगर उसकी एक छोटी सी झलक हम ऑडियंस को दिखा दें फिर तो दोस्तों चर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर वैसे कुछ भी कहो, फिल्म के विजुअल स्टनिंग होने वाले हैं। वैसे दिशा पटेल इस फिल्म की लीडिंग लेडी है, वो क्या करेंगी ये पता नहीं, पर दिशा को एक्शन करते हुए देखने में काफी मजा आएगा। बस दोस्तों कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस फिल्म में भी उनका कैरेक्टर खत्म हो जाए जैसे बागी 2 और MS धोनी फिल्म में हुआ था। वैसे दिशा का कैरेक्टर सूर्या के उस कैरेक्टर के साथ होगा जब कहानी प्रेजेंट में होगी, क्योंकि पास्ट में कहानी और होगी। अब इसके लिए दिशा को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर सूर्या को बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उन्हें पास्ट और प्रेजेंट पर्सनालिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा। ऐसे में एक में वजन बढ़ाना और दूसरे में घटाना ये तो करना ही पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो फिर लुक में कोई डिफरेंस नहीं नजर आता। तो जो पास्ट में वॉरियर टाइप रोल है उसमें वजन बढ़ाया गया और दोस्तों प्रेजेंट में वो नॉर्मली दिखाई देंगे। डेडिकेशन भाई डेडिकेशन, पैसा वसूल मेहनत, बस इस अनकाउंटेबल डेडिकेशन का अच्छा फल मिले उनको। 30 भाषाओं में फिल्म आने वाली है। एक जमाने में रहे सिंघम कांगो बनकर लौट रहे हैं, लॉर्ड बॉबी बने हैं विलन, नेशनल क्रश माने जाते हैं, बस दशा पाटनी नजर आने वाली है एक बॉर्डर के अंदाज में, और कोतारा शिवा है इस फिल्म के डायरेक्टर, ये तो हम सभी जानते ही है। लेकिन इस साल आने वाले इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के बारे में कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि आपके लिए तो हम है, हम आपको बताने वाले हैं काफी सारी ऐसी बातें जो कि आपको इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड करने वाली है। जी हाँ, जैसे सबसे पहले हमारे सुपरस्टार सूर्य इस फिल्म में 6 अलग अलग तरह के अवतारों में नजर आने वाले हैं, जिनमें से पहला एक वॉरियर का अवतार है जिसके फर्स्ट लुक पोस्टर से ही इस फिल्म का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि काफी हाई लेवल पर पहुंच चुका था, जिसमें सूर्य ओरिजिनल कांगवा वाले लुक में नजर आ रहे हैं। और अगर आप ये नहीं जानते कि कांगवा का मीनिंग क्या होता है तो आपको बता दें कि कांगवा यानी कि द मैन विद द पावर ऑफ फायर, यानी ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति आग के समान है। और अगर आपने ये पोस्टर ध्यान से देखा होगा तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि सूर्या की आंखों में ना फायर नजर आ रहा है, यानी कि उनकी पियर्सिंग आईज उनके इस लुक में और भी ज्यादा पावर ऐड कर रही है। और इसके बाद उनका एक और पोस्टर भी सामने आया था जिसमें कि वो मॉडर्न लुक में नजर आ रहे थे, जिसमें कि वो काफी डैशिंग लग रहे थे और उनका ये लुक सबको काफी अच्छा लगा था। और उनके इस लुक ने एक बात तो और साफ कर दी थी कि ये फिल्म हमें प्रेजेंट से पास्ट में लेकर जाने वाली है, यानी एक ऐसा कंसेप्ट हो सकता है जिसमें सूर्या के किरदार को खुद के कांगवा होने के इंट्यूशंस हो और वो जब खुद को एक्सप्लोर करे तो उन्हें कोई ऐसा राज पता चल जाए जो उन्हें पास्ट में लेकर जाए। खैर ये तो हमारी एक थ्योरी है सूर्या के 2 अलग अलग पोस्टर्स देखने के बाद, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि ये तो भाई सिनेमा है। इसके साथ ही 300 से 350 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को 3D और IMAX में रिलीज किया जाने वाला है। जी हाँ, और हम 99% श्योर है कि ये फिल्म ऐसे ही एक पार्ट में खत्म नहीं हो जाएगी। अब 6 अवतार है हीरो के और एक ही पार्ट में सब आ जाए, ऐसे कैसे। और साउथ फिल्मों का तो भाई ट्रेंड रहा है कि फिल्मों की सीरीज बना सकते हैं वो लोग, पर KGF हो, बाहुबली हो, पुष्पा हो, या फिर आने वाली फिल्म देवरा हो, या फिर कल की 2898 AD हो, इसलिए ये फिल्म भी आएगी 2 पार्ट्स में ऐसा हमें लगता है 99%। अब 1% तो डेटॉल वाले भी श्योर नहीं है तो हम कैसे हो जाए लेकिन आपको एक बात की टोटल श्योरिटी है, हमारे चैनल पर ऐसे मजेदार वीडियोस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपके व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सादी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साउथ सुपरस्टार सूर्या की अपकमिंग मूवी पीरियड ड्रामा होगी जिसका नाम है कंगुवा। फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो रिसेंटली आया था। अब खबर है कि मूवी ने रिलीज से पहले 80 करोड़ रुपए कमा लिए। सिर्फ यही नहीं, मूवी ने साउथ इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। दरअसल कंगुवा फिल्म के राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हैं, इसे 80 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। खैर कमाई पर ज्यादा बात करने से पहले इनके न्यू फोटोशूट पर बात करते हैं। साउथ सुपरस्टार सूर्या कंगुवा की रिलीज के साथ बड़े पर्दे पर बड़े लेवल से वापसी करने के लिए तैयार है।
ये एक बड़ी मूवी है जिसका निर्देशन शिवा द्वारा किया जाएगा। जबकि इस मल्टीलिंगुअल साइंस फिक्शन एक्शन मूवी को लेकर एक्साइटमेंट है, क्योंकि सूर्या अपने न्यू फोटोशूट में दिल जीत रहे हैं, जिसमें उन्हें एक ऐसे अवतार में दिखाया गया है जो उनके अगले फोटोशूट का हिस्सा होगा। अविनाश गोवारकर ने ये मोनोक्रोम फोटोशूट इस समय सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है। सूर्य इस फोटोशूट में कमाल दिख रहे हैं, जिसे फिल्म निर्माता आशुतोष के भाई प्रसिद्ध सेलिब्रिटी फोटोग्राफर अविनाश द्वारा ब्लैक एंड व्हाइट मोड में शूट किया गया। फोटो में तमिल एक्टर द्वारा कंगुआ के हाल ही में लॉन्च किए गए पोस्टर्स में से एक में सफेद बालों की धारियां दिखाई है। साथ ही उनकी हथेली के पीछे एक स्पेशल टैटू भी है जो उनकी मूवी कंगुआ का टाइटल ट्रील है, जिसे इस फिक्शन स्टोरी का हीरो बताया गया है। एक्ट्रेस श्रुति हसन और उनके कंगुआ को स्टार बॉबी देओल, उनके कई फैंस इस पोस्ट पर अपने अपने व्यूज और बहुत सारे प्यार बरसा रहे हैं। दूसरी ओर फोटोशूट करने वाले अविनाश ने भी अपना उत्साह दिखाते हुए पोस्ट पर कॉमेंट किया कि अब और इंतजार नहीं कर सकते। अब आते हैं रिलीज से पहले की कमाई पर। तो सिरुथाई सिवा के डायरेक्शन में बनी सूर्या के करियर की ये सबसे बड़े बजट की पिक्चर बताई जा रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर गननवाल राजा ने बताया कि कंगुआ के डिजिटल राइट्स को अमेजन ने खरीद लिया है। ये तमिल यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए ज्ञानवेल राजा ने फिल्म के प्रमोशन और मार्केटिंग पर बात की। उन्होंने कहा, हमने अभी ही अमेजन प्राइम वीडियो के साथ डिजिटल राइट्स की डील खत्म की, सभी भाषाओं के लिए नहीं सिर्फ साउथ इंडियन भाषाओं के राइट्स के लिए डील की है। हमने 80 करोड़ में इसके राइट्स बेचे हैं, ये साउथ इंडियन इंडस्ट्री के लिए बेंचमार्क है। तो अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इसका अंदाज़ा आप खुद से लगा लीजिए कि मूवी कैसा बिजनेस करेगी। खैर अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड इस मूवी को लेकर, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। एनिमल के बाद बॉबी देओल के स्टॉक्स भयंकर तरीके से बढ़ गए थे। जनता जानना चाहती थी कि वो आगे क्या करने वाले हैं। बॉबी से पहले संजय दत्त ने साउथ वाला रास्ता पकड़ा था, वो केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा बने थे। उनके रोल को इतना पसंद किया गया कि लियो और केरी द डेविल जैसी फिल्मों में भी विलन वाले रोल ऑफर हुए। बॉबी के भी अगले कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्हें नेगेटिव रोल में देखा जाएगा, उनमें से एक है कंगुआ। 27 जनवरी को बॉबी के जन्मदिन वाले दिन कंगुआ से उनका फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया गया था। मूवी में उनके कैरेक्टर का नाम उद्धिरिन होगा। पोस्टर में बॉबी का अवतार खतरनाक किस्म का लग रहा है। एक फोटो से उनके किरदार के बारे में काफी कुछ पता चल रहा है। उनकी एक आंख पत्थर की है, रूखे लंबे बाल हवा में उड़ रहे हैं, गले में किसी जानवर की हड्डियों का ढांचा सजा हुआ है, उसे खून का टीका लगाया हुआ है। उधिरीन के इर्द गिर्द कई सारे औरतें हैं, उनके सिर पर हिरन के सिंह का ताज लगा हुआ है। आगे जो औरतें खड़ी हैं उनके चेहरे पर मास्क है, वो औरतें उधिरीन की और अपने हाथ बढ़ा रही हूँ जैसे वो उनका मसीहा हो। ऐसा ही विजुअल बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी देखने को मिला था, जहाँ आम लोग सुपरमैन के इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े रहते हैं। कंगुआ में बॉबी को देखकर लग रहा है कि उनका कैरेक्टर टिपिकल किस्म का विलन नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा है कि उधिरिन अपने समुदाय को बचाने के लिए लड़ेगा, उसी वजह से उसकी लड़ाई सूर्या के किरदार से होगी। बीते साल कंगुआ से सूर्या के किरदार का फर्स्ट लुक टीज़र भी लॉन्च किया गया। बताया जाता है कि कंगो बड़ा शूरवीर योद्धा था, पूरा इलाका उसे थरथराता था। ये सारी बातें बैकग्राउंड में चल रहे गाने की मदद से ऑडियंस तक पहुंचती है। इसके बाद सूर्या की एंट्री होती है, गले में बाघों के पंजे का माला और चेहरे पर मास्क लगाए खूंखार लुक के साथ। हालांकि क्लिप में वो सिर्फ एक लाइन कहते हैं, क्या बात है। कंगुआ को पैन वर्ल्ड फिल्म की तरह बनाया जा रहा है। सूर्या की फिल्मों को 10 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इसमें तमिल, तेलुगू, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ के अलावा बंगला और मराठी वर्जन भी शामिल है। मूवी 350 करोड़ रुपए के बजट में बन रही है। अब आप बताओ कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। स्टार सूर्या की अपकमिंग फिल्म कांगवा को लेकर ना सच में तारीफ करनी चाहिए। मतलब इतना बड़ा कैनवास, वीएफएक्स से भरपूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन सीक्वेंसेस, सब कुछ होने के बावजूद और एक ऐसे टॉपिक पर बात करना जिसे अभी तक किसी ने नहीं छेड़ा है। ऐसे फिल्म की शूटिंग पूरी भी हो चुकी है, जबकि अभी भी साउथ में ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग पूरी नहीं हो रही है, वो रीशूट कर रहे हैं। जैसे कि पुष्पा 2 है, उसके बाद कल की 2898 AD है। हाँ, कांगवा भी अभी रिलीज की तैयार नहीं है, उसका भी वीएफएक्स का काम तो बाकी है, पर इतनी क्रूशियल फिल्म का काम ना बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चल रहा है ऐसा लगता है। वैसे दोस्तों, कांगवा में सूर्या के साथ साथ बॉबी देओल यानी कि फिल्म के रूथलेस विलन को देखने के बाद फैंस को तो बस होश ही उड़ गए हैं। मतलब सिर्फ हिंदी ऑडियंस के ही नहीं बल्कि साउथ ऑडियंस के भी। जी हाँ, यानी एक इम्प्रेसिव रिस्पॉन्स के साथ कांगवा अभी तक टिकी हुई है। पर अब सूर्या के फैंस मेकर्स पर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि फिल्म की रिलीज डेट सुनाई जाए और
फिल्म जल्द से जल्द रिलीज कर दी जाए, क्योंकि अभी तक फिल्म की रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है VFX के पेंडिंग वर्क की वजह से। दूसरी बात यह है कि सूर्या के फैंस चाहते हैं कि एक आइडल रिलीज डेट को ही चुना जाए ताकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस नंबर्स में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सूर्या की पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फेल गई है, पर कांगो जैसी उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म उनका कमबैक करवाएगी। इस फिल्म का बजट भी ज्यादा है जो सूर्या की करियर की सबसे महंगी फिल्म है। ऐसे में सभी मार्केट से रिस्पॉन्स भाई बढ़िया होना ही चाहिए, पर सूर्या कितने भी फेलियर का सामना करे पर वो एक ब्रांड है ब्रांड, और उन्हें सभी मार्केट से ऑडियंस अभी भी देखना चाहती है, तो उन्हें कांगो जैसी फिल्म की जरूरत अभी है। तो मेकर्स को रिलीज डेट अनाउंस कर देनी चाहिए, रिलीज डेट के कारण नुकसान नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि पहले फिल्म जनवरी में आने वाली थी पर आ नहीं पाई, उसके बाद अप्रैल में, पर अभी तक मेकर्स ने ना कोई फैसला नहीं लिया है। अब फैंस तो फैंस होते हैं ना भाई, उन्हें कौन समझा सकता है, पर सच कहा तो वो लेंगे भी नहीं, क्योंकि क्या है ना, कांगवा हल्की फिल्म नहीं है, पर सच कहे ना तो कांगवा हल्की फिल्म नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है उसमें, और क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो लोग चिल्लाएंगे ही, पर ओवरऑल एंटीसिपेशन तो ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सूर्या और मेकर्स को जल्द से जल्द कोई ना कोई अपडेट तो देना ही चाहिए, वरना चर्चा कैसे होगी। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म अपना कमाल दिखा पाएगी? हमें कॉम्पल में एनिमल का जमाल कुडू गाना तो आपको याद ही होगा, जिसमें लॉर्ड बॉबी माथे पर शराब का ग्लास बैलेंस करते हुए ना नजर आए थे, और अब उसी तरह अपने करियर का बैलेंस भी संभाल रहे हैं। करियर की गाड़ी पटरी पर आ भी गई है और 1990 के स्पीड से भाग रही है, और फिल्म कांगवा का उनका फर्स्ट लुक इसकी गवाही देता है। व्हाट अ लुक मैन, रूथलेस विलन कहीं का, मतलब लॉर्ड बोलने के बाद ये तो और चार्ज हो गए। तो क्या लगता है, कांगवा बॉबी के करियर की बेस्ट फिल्म साबित हो सकती है अगर विलन के तौर पर और एक एक्टर के तौर पर देखे ना तो? एनिमल उनके करियर की बेस्ट फिल्म है, पर कांगवा बेस्ट से भी ना बेस्ट हो सकती है उनके लिए, क्योंकि एक तो साउथ डेब्यू है उनका, और पहले ही लुक से सीटी मार काम, लोग इम्प्रेस हो गए भाई, और उन्हें उस तरह से प्रेजेंट किया गया है जिससे उनका कैरेक्टर नेवर बिफोर सीन कैरेक्टर लगता है, जिसमें बॉबी ने अच्छी तरह से खुद को ढाला है। अब इनका स्क्रीन टाइम एनिमल में कम था, इतना खतरनाक रोल होने के बावजूद भी, जिसकी वजह से बॉबी और उनके फैंस नाराज हो चुके थे, पर कम सीन्स में भी वो इम्पैक्ट छोड़ गए जिससे कि वो लॉर्ड बन गए, और उनके उसी अंदाज को देखते हुए कांगवा में उन्हें कास्ट किया गया है, पर उन्हें इस बार इक्वल स्क्रीन टाइमिंग मिल सकती है, सूर्या से थोड़ा कम भी हो चल सकता है ये भी, लेकिन भाई बिल्कुल कम तो नहीं होने वाला है जितना कि एनिमल में था। कैरेक्टर का वेट ज्यादा है जिसकी वजह से वो अपने कैरेक्टर को और एक्सप्लोर कर सकते हैं और ऐसा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा, और अब तो वो अपनी एक्टिंग स्किल से ना कैमरा को भी डराते हैं, क्योंकि फर्स्ट लुक में देखा जाए तो वो सिर्फ आई एक्सप्रेशन के साथ खेल रहे हैं, तो भाई हमें भी तो यही चाहिए। तो इसी की वजह से कांगवा उनके करियर की बेस्ट फिल्म साबित हो सकती है, उनके करियर के साथ साथ तमिल सुपरस्टार सूर्या के लिए भी ये बेस्ट फिल्म साबित होने वाली है। सूर्या की फैन फॉलोइंग हमेशा इसी वजह से बढ़ी है क्योंकि वो अपने करियर में बेस्ट स्क्रिप्ट ही चुनते हैं, और कांगवा जैसा कंटेंट ना अब तक साउथ में बना है और ना बॉलीवुड में, ऊपर से सूर्या डबल ट्रिपल रोल्स करने में ना एक्सपर्ट है, तो उनकी एक्टिंग स्किल्स पर्सनैलिटी ये ना एक नहीं बल्कि 10 लेवल ऊपर की होगी। अब कांगवा की वजह से तो वो तो और सुपर हिट होने वाले हैं, क्योंकि इसका स्केल ही इंटरनेशनल लेवल का है, और जिस तरह से प्रभास के लिए बाहुबली थी उसी तरह से सूर्या के लिए कांगवा है उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म, तो हाई बजट विजुअली स्टनिंग हॉलीवुड लेवल फिल्म कांगवा सूर्या और बॉबी के करियर की बेस्ट फिल्म साबित हो सकती है। वैसे आपके क्या एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तमिल सुपरस्टार सूर्या की अपकमिंग फिल्म कांगवा कोई नॉर्मल फिल्म तो नहीं लग रही है, मतलब जिस तरह से पोस्टर का स्टैंडर्ड है उसे देखने के बाद ये सिर्फ पैन इंडिया फिल्म नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड फिल्म लग रही है। ये एक हिस्ट्री बेस्ड वॉर ड्रामा फिल्म है जिसमें एक्शन और माइथोलॉजी को मिक्स किया जाएगा। इसका स्केल देखते हुए ना थोड़ा थोड़ा बाहुबली वाला फील हमें आ रहा था, बाहुबली भी बढ़िया स्केल पर बनाई गई थी, ऊपर से एक यूनिवर्सल थीम के साथ उसे बनाया गया था, तो यही सब कांगवा से भी ना रिप्लिकेट होता है, जिसमें बड़े बड़े सेट्स बना के हिस्ट्री की कोई डेंजरस बैटल को सिनेमा का चेहरा दिया जाएगा। जी हाँ, और फिल्म का सब्जेक्ट सिर्फ पास्ट हिस्ट्री बोर्ड नहीं बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर, इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है।
सूर्या की फिल्म जुड़े पोस्टर में देखकर ऐसा लगता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म हॉलीवुड लेवल की हो सकती है या फिर उससे भी ऊपर हो सकती है। वैसे ये अमेरिकन फिल्म एपोकैलिप्टो जैसी फीलिंग दे रही थी, जो ड्राइव बेस्ड फिल्म है, पर एक बात यह है कि कांगवा में 6000 साल पुरानी कहानी दिखाई जाएगी जो रियल इंसिडेंट से भी इंस्पायर हो सकती है, तो ओवरऑल एक फैंटेसी ड्रामा देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों, जब कोई फैंटेसी ड्रामा दिखाया जाता है ना, वो भी हिस्टोरिकल रेफरेंस के साथ, तो ऐसे में लॉजिकली कुछ चीजें ना करेक्ट होना बहुत जरूरी है, जैसे उसमें दिखाए गए सेट्स, कपड़े, सीन्स, आर्किटेक्चर, टाइमलाइन, सब कुछ सही होना बहुत जरूरी है। वैसे एपोकैलिप्टो को लेकर बहुत बवाल हुआ था, फिल्म को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, उसका एक रीजन यही था कि इसमें कुछ हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी नजर आई थी, तो कांगवा में ऐसा कुछ ना हो ऐसी हमारी उम्मीद है, पर जो कुछ भी होगा वो तो थिएटर में पता चल ही जाएगा। वैसे कांगवा को लेकर भले ही तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर सोच रहे होंगे कि हमें कितने में इस फिल्म की तेलुगु राइट्स खरीदने चाहिए, और वो जल्दबाजी भी ना नहीं कर रहे होंगे, तो भी ठीक है, पर फिर भी ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा शायद ही तमिल इंडस्ट्री में पहली बार कोई प्रोजेक्ट बन रहा होगा, या फिर पूरी साउथ इंडस्ट्री में। वैसे इस फिल्म ने अच्छा खासा प्री रिलीज बिजनेस भी किया हुआ है, जिसमें अगर बात करें थियोरेटिकल डिजिटल राइट्स की, तो फिल्म ने 500 करोड़ का बिजनेस आराम से किया है, मतलब कि रिलीज से पहले 500 करोड़ फाइनल। और इसने थलापति विजय की फिल्म लियो को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 413 करोड़ के आसपास का प्री रिलीज बिजनेस किया था। वैसे इतना प्री रिलीज बिजनेस किया है, इसका मतलब कांगवा पर बहुत सारे लोगों ने यकीन दिखाया है, पर बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस कितना यकीन दिखाती है ये ज्यादा मायने रखता है ना, और उस पर डिपेंड करता है कि इसका दूसरा पार्ट बनेगा या फिर नहीं। वेल, आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सूर्या की फिल्म जो शिव के निर्देशन में बन रही है, इसका टाइटल कांगवा है। फाइनली मूवी से लॉर्ड बॉबी का फर्स्ट लुक शेयर कर दिया गया है। एक्टर के 55वें बर्थडे पर फिल्म मेकर्स का ये गिफ्ट है, उन्होंने उनके कैरेक्टर का नाम उद्धिरण बताया है। पोस्टर के लुक की बात करें तो भाई साहब क्या पोस्टर है, बॉबी को लंबी जटाओं के साथ सेट किया गया है जो उनके कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर दिखा रहा है। वही उनकी एक आंख नकली है जो उनके लुक को ना डरावना बना रही है। बॉबी का विलन के लुक में ये अब तक का सबसे डेंजरस पोस्टर लग रहा है। होपफुली मूवी में उनका कैरेक्टर ना इससे भी ज्यादा भयंकर दिखाई देगा। पोस्टर में लॉर्ड बॉबी देवता की तरह पूजे जा रहे हैं, जैसे वो आदिवासी कोई देवता हो। उनकी पसलियां निकली हुई है जैसा कोई कंकाल होता है जिस पर खून लगा है। लेडीज उन्हें छू रही है और लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। इनका ये लुक मूवी के लिए ना एक्साइटमेंट इंक्रीज कर रहा है। पक्के तौर पर 2024 की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से ये एक है। इस फैंटेसी एक्शन ड्रामा की पूरे इंडिया में ऑडियंस को एंटरटेन करने की प्रेडिक्शन की जा रही है, और अफवाह है कि ये गर्मी के मौसम में स्क्रीन पर रिलीज होगी। हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने फिल्म से सूर्या के कैरेक्टर का दूसरा लुक पोस्टर लॉन्च किया था। पोस्टर में जय भीम एक्टर को दो अलग अलग लुक्स में दिखाया गया है, एक खतरनाक वाइब के साथ, दूसरा मॉडर्न टच के साथ। न्यू अपडेट में मेकर्स ने अपनी सोशल मीडिया पे पोस्टर को कैप्शन के साथ शेयर किया, कंगवा सूर्या और शिव के बीच पहला कोलैबोरेशन है। फिल्म में सुरई पोटरू एक्टर 6 लुक्स में है, और दिशा पाटनी और बॉबी देओल का कंगवा से तमिल डेब्यू भी है। इसके साथ फिल्म में कई स्टार एक्टर्स भी शामिल है, जिसमें जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, के एस रवि कुमार और भी कई लोग मेन रोल्स में हैं। नेशनल अवार्ड विनर रहते हुए फिल्म को यूबी क्रिएशंस के सपोर्ट से बनाया जा रहा है। देवी श्री प्रसाद फिल्म के लिए म्यूजिक तैयार करेंगे, जो तमिल की बाकी मूवी जैसे कि पुष्पा में म्यूजिक दे चुके हैं। वेटरी पलानी सामी और निशाद यूसुफ फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग डिपार्टमेंट का ध्यान रखते हैं। ये मूवी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में रिलीज होगी। कांगवा के बाद सूर्या वादी वसल टाइटल के एक प्रोजेक्ट के लिए वेत्री मारन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म जल्लीकट्टू की बैकग्राउंड पर बेस्ड है। इसके अलावा एक्टर पुरान नूरू नामक फिल्म के लिए सरई पोटो निर्देशक सुधा कोंगारा के साथ फिर से काम करेंगे। अब हाल ही में फिल्म का एक प्रमोशनल वीडियो लॉन्च किया गया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि दुलकर सलमान, नजरिया नाजिम और विजय वर्मा को फिल्म में मेन लीड निभाने के लिए चुना गया है। इसके अलावा जीवी प्रकाश कुमार भी म्यूजिक कंपोजर के रूप में टीम में इंक्लूड हो रहे हैं, और फेमस सिनेमाटोग्राफर
जोमन टी जॉन फिल्म के कैमरे को क्रैंक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉबी देओल को आखिरी बार संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में वरन के रूप में देखा गया था, जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में थे। फिल्म में मेन लीड में रश्मिका मंदाना भी थी। लॉर्ड बॉबी क्रिश जगरलामुडी के साथ पवन कल्याण की अपकमिंग फिल्म हरी हर वीरा मल्लू का पार्ट बनने के लिए तैयार है। खैर, बात कांगवा की स्टोरी की करें तो कांगवा की स्टोरी एस वेंकटेशन की बुक वेलपरी पर बेस्ड है। वेलपरी को तमिल हिस्ट्री के 7 ग्रेटेस्ट पैट्रन्स में से एक कहा जाता है। उन्हें नेचर और आर्ट से इश्क था। कपिलार खुद पांड्या एम्पायर से आते थे, लेकिन पारी के नेचर से वो इतने इंस्पायर हुए कि उनके एम्पायर में मेन पोएट बन गए। फिर परम्बू में ही रहने लगे। वेलपरी ने कई साल तीनों बड़े एम्पायर के किंग से अकेले लोहा लिया और वॉर शुरू रखी। इसका बजट सूर्या के करियर की सबसे कॉस्टली फिल्म से भी 3 गुना ज्यादा है। इसमें आपको 3D शूट का एक्सपीरियंस मिलेगा। सूर्या के साथ कांगवा में दिशा पाटनी और योगी बाबू भी होंगे। दिशा पाटनी की ये साउथ डेब्यू होगी। बॉलीवुड में तो उन्हें काम मिल नहीं रहा है, जो मिलता तो चलता नहीं, शायद साउथ में उनका पत्ता काम कर जाए। फिलहाल आपको बॉबी देओल का फर्स्ट लुक कैसा लगा, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिल्म कांगवा एग्जैक्टली कैसी फिल्म है ये तो थिएटर में जाकर ही पता चलेगा, पर कुछ भी कहो ये फिल्म रिलीज से पहले सरप्राइज देने में ना कोई कमी नहीं छोड़ रही है। मतलब पहले 38 भाषा में रिलीज होगी, सरप्राइज दे दिया, इतना बड़ा कैनवस एक झलक के थ्रू दिखाकर हक्का बक्का करके छोड़ दिया, और अब मेकर्स फाइनल रिलीज डेट नहीं बता रहे हैं। मतलब एक और बम फटना ना अभी बाकी है। वैसे कांगवा का टारगेट 1000 करोड़ का है, और जब 1000 करोड़ के टारगेट होते हैं ना, तब नजरों के सामने बाहुबली KGF RRR तो आती ही है। ऐसे बाहुबली पर हमने बात कर ली है, पर KGF जिसने रिकॉर्ड्स की चटनी बना दी ना, जिसने कई फिल्म मेकर्स की नींदे रातों रात उड़ा दी, उसे कैसे भूल सकते हैं भला। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 1200 करोड़ का बिजनेस किया था और बाहुबली 2 को भी टक्कर दे दी। पहली बात तो ये दोस्तों की चैप्टर 2 ने तो बाहुबली 2 के साथ साथ एवेंजर्स एंडगेम जैसी हॉलीवुड फिल्म को ना एडवांस बुकिंग में चीर के रख दिया है। वैसे चैप्टर 2 के नाम पर 60 करोड़ की एडवांस बुकिंग थी, वहीं बाहुबली 2 के नाम पर 58 करोड़ रुपए थी। अब देखना यह होगा कि कांगवा कितनी एडवांस बुकिंग करती है। अब जैसे कांगवा 38 भाषाओं में रिलीज होने वाली है, उनमें उड़ीसा की उड़िया लैंग्वेज भी शामिल होने वाली है, ऐसे में चैप्टर 2 ने वहां पर रिकॉर्ड बना लिया है। जितनी भी उड़िया फिल्म है ना, वो भी ये कमाल नशी दिखा पाई है, तो है ना हैरानी वाली बात। KGF चैप्टर 2 पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने इस लैंग्वेज में 10 करोड़ रुपए कमाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कांगवा के लिए। केरला में 50 करोड़ के साथ फास्टेस्ट कमाई करने का पावर इस कन्नड़ फिल्म ने दिखाया, और एक कन्नड़ फिल्म होने के बावजूद भी इसने तमिलनाडु में अपना जलवा दिखाया, जहां पर तेलुगु सुपरस्टार्स की हवा होती है। इसने थलापति विजय की फिल्म बीस्ट को भी अच्छा खासा मजा चखाया। सूर्या तो तमिल के टैलेंटेड सुपरस्टार है, उनकी तमिलनाडु में फैन फॉलोइंग विजय के बाद है, ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वैसे कई सारे रिकॉर्ड्स चैप्टर 2 के नाम पर है। अब कांगवा से इतनी बड़ी उम्मीदें की जा रही है, जिसका हाइप भी अच्छा है, जिसे लेकर काफी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार्स को इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि बॉबी देओल है। ऐसे में फिल्म को चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ने में मदद हो सकती है, पर फिर भी फिल्म में वो बात होनी चाहिए, क्योंकि भाई चैप्टर 2 की तो बात ही अलग थी। और कांगवा KGF से हटके फिल्म है, प्लॉट कैनवस कैरेक्टर सभी मामले में, तो फिर उसके जो प्योर इमोशंस है उससे ऑडियंस कनेक्ट होनी चाहिए। फिलहाल आप रोस्टी का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी लगता है तमिल सुपरस्टार सूर्या ही कंधे पर है, क्योंकि उनकी अपकमिंग कांगवा से 1000 करोड़ की उम्मीद की जा रही है, जो अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो पाया है। अब फिल्म को 3D और 38 भाषाओं में रिलीज करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन और आउट ऑफ द बॉक्स विजुअल्स की वजह से फिल्म चर्चा में टॉप कर चुकी है, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसकी रिलीज डेट ही इसे फंसा दे। दरअसल कांगवा पहले अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली थी, पर फिल्म का कैनवास देखते हुए मेकर्स को समझ में आ रहा था कि ये फिल्म अप्रैल तक तो पूरी नहीं हो पाएगी। एक तो उसे 38 भाषाओं में रिलीज करना है, ऊपर से VFX का काम भी अभी बाकी है, इसके लिए 6 महीने तो लगेंगे ही, और इन्हें वर्ल्ड वाइड प्रमोशन भी तो करना है, क्योंकि जब तक प्रमोशन नहीं करेंगे ना, ऑडियंस फिल्म देखने में इंटरेस्ट दिखा ही नहीं पाएगी। सबके चलते मेकर्स को और टाइम लगेगा अभी, और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक वो रिलीज डेट अनाउंस नहीं करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। इसका मतलब अप्रैल में तो फिल्म रिलीज नहीं होगी, तो शायद अगस्त या फिर सितंबर के आसपास रिलीज हो सकती है, या फिर दिसंबर 2024 तक,
और अगर इन्होंने ज्यादा टाइम लगाया ना तो फिर तो 2025 भी आ सकता है और फिल्म के डायरेक्टर शिवा के ऊपर प्रोड्यूसर कोई प्रेशर नहीं डालने वाले हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी वर्क चाहिए। अब मेकर्स को एक बात का भी ध्यान पूरा रखना चाहिए कि 2024 में भी फिल्में आ रही हैं पर यही पीरियड फिल्म के लिए सही रहेगा। साउथ प्रभास की कल्की 2898 है, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 है, विजय एनटीआर की देवरा को छोड़कर बिग बजट प्रोजेक्ट्स और तो कोई खास है नहीं। 2025 की बात करें तो सालार 2 आएगी, प्रभास की राजा साफ भी आ सकती है, केजीएफ चैप्टर 3 की भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए कांगवा को 2024 में ही ना रिलीज होना चाहिए वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि डिले करने के चक्कर में फिल्म को क्लैश करना पड़ जाए और फिल्म फंस जाए। वैसे मेकर्स कांगवा को बड़े पैमाने पर रिलीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई उनकी स्टोरी में ना उतना पोटेंशियल है। इस प्रोजेक्ट के लिए 4 स्टोरी सजेस्ट की गई थी, उसमें से एक ऐसी स्टोरी को चूज किया गया है जो कांगवा में दिखाई देने वाली है, उसका लेवल नॉर्मल नहीं है। ऐसे में फिल्म को अब पैन इंडिया फिल्म बनाना ही पड़ा और 31 भाषाओं में रिलीज करने का फैसला किया गया क्योंकि फिल्म पर इतना खर्च हुआ है तो वो एक ही मार्केट से उतना पैसा वसूल नहीं कर पाएगी। पर हर एक चीज पर मेकर्स को खून पसीना बहाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस VFX और मेनली कंटेंट से अगर इम्प्रेस नहीं हुई ना तो कांगवा के लिए वो अच्छा साबित नहीं होगा। फिल्म जेलर लियो के बाद तमिल इंडस्ट्री का एक और मोस्ट अवेटेड ड्रामा रेडी हो रहा है जिसका नाम है कंगुआ। वैसे ये तो अब एक रिवाज ही बन गया है ना कि कोई भी फिल्म रिलीज हो, चाहे वो बॉलीवुड की हो या फिर साउथ की हो या फिर पैन इंडियन फिल्म हो, हर फिल्म की कंपैरिजन की ही जाती है बाहुबली और KGF से क्योंकि आइकॉनिक फिल्में हैं भाई जिन्होंने 1000 से 1200 करोड़ की कमाइयां की हैं और देश में ही नहीं विदेश में भी ना इन्होंने अपना डंका पीटा है। तो ऐसे में कंगवा इनके लेवल की होगी या इनके रिकॉर्ड तोड़ सकती है? अब रिकॉर्ड तोड़ेगी कि नहीं ये तो भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही बता पाएगा जो रिलीज के बाद ही मालूम चल पाएगा। पर फिल्म में हिट होने के पीछे ना फिल्म का कंटेंट बहुत मायने रखता है। फिल्म की स्टार कास्ट हो गई, जबरदस्त VFX हो गया, म्यूजिक और एक्शन, ये एस्पेक्ट्स मायने रखते हैं जो कि हर पैन इंडिया फिल्म में नजर आते हैं और ये सब बाहुबली और KGF 2 में भी देखने को मिला था। अब इस मामले में कंगवा को देखें तो सूर्या जैसे टैलेंटेड एक्टर हैं, बॉबी देओल जैसे विलन होंगे। सूर्या इसका मतलब कि कंटेंट के मामले में वो कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने वाले हैं। अब VFX भी ना हॉलीवुड लेवल के होने वाले हैं ऐसा कहा गया है। देवी श्री प्रसाद जैसे म्यूजिक कंपोजर जो पुष्पा में आग लगा चुके हैं वो इस फिल्म में है और एक्शन भी ना हॉलीवुड लेवल का है जिससे एक्टर्स जान को खतरा भी हो सकता था। ऐसे में कंगवा ये सारे एस्पेक्ट्स फुलफिल करने के रास्ते पर है, ये तो टीजर से ही मालूम चल जाता है और ऊपर से ये 38 भाषाओं में रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये हर मार्केट को कवर कर रही है। तो जो एक पैन इंडिया फिल्म को जरूरी होता है वो सब कुछ इसमें दिखाई तो दे रहा है, इसका मतलब ये बाहुबली और KGF 2 के लेवल की हो सकती है। पर उसमें भी वो लेवल कितना होगा ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही बता पाएगा। पर क्या इसकी प्रोडक्शन टीम फिल्म का एंटीसिपेशन बनाए रखने पर ध्यान दे रही है? अब सोशल मीडिया दोस्तों एक ऐसा पावरफुल सोर्स है ना जहाँ पर हर दिन फिल्मों को लेकर गर्मा गर्म चर्चा होती रहती है जिससे कि दिखता है कि फैंस के बीच कितना एंटीसिपेशन है, कौन किस फिल्म को लेकर ज्यादा एक्साइटेड है। तो ये नजारा उतना देखने को नहीं मिल रहा है जितना कि फिल्म का लेवल है। पर इसकी एक वजह ये भी है ना कि कंगवा को लेकर फैंस को उतनी अपडेट्स भी तो नहीं मिल रही है ना, उन्हें पता ही नहीं है कुछ चीजें जिसकी वजह से उन्हें चर्चा करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। टीजर के बाद फिल्म 38 भाषाओं में रिलीज होगी ऐसा कहा गया, तब सब लोगों का ध्यान इस फिल्म की ओर चला गया क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिल्म की टीम चर्चा करने के लिए फैंस को मौका नहीं दे पा रही है। अगर अपडेट्स बाहर आती रहेंगी तो जरूरी फिल्म को और फायदा होगा और चर्चा होगा। तो फिलहाल दोस्तों आप हमें ये बताएं कि आप कंगवा के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हम बार बार कहते हैं कि फिल्म कांगवा तमिल इंडस्ट्री में क्रांति लाएगी, क्रांति और लानी भी चाहिए क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तमिल इंडस्ट्री को और इस बहाने तमिल इंडस्ट्री का सपना भी तो पूरा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि कौन सा सपना भाई? देखिए दोस्तों तमिल सुपरस्टार सूर्या स्टारर कांगवा से बहुत उम्मीदें हैं, मतलब ये फिल्म तमिल इंडस्ट्री का चेहरा भी बदल सकती है। तो हाईली एंटिसिपेटेड हाई बजट टैलेंटेड परफॉर्मेंस और टैलेंटेड विजनरी टीम के साथ बनाई गई इस फिल्म को इतिहास रचना ही होगा क्योंकि ये जो सपना है ना वो पूरा होते हुए देखने के लिए कन्नड़ ऑडियंस भी ना एक पॉइंट पर बहुत तरस रही थी और वो सपना है 1000 करोड़ का सपना। अपन बाहुबली की वजह से पैन इंडिया फिल्मों का फैशन शुरू हो गया है और 1000 करोड़ कमाने का भी।
इसके तहत SS राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 ने 1000 करोड़ की कमाई की। इसके बाद डबल आर ने भी 1200 करोड़ की कमाई की। यानी तेलुगु इंडस्ट्री के नाम पर ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने 1000 करोड़ क्लब देखा है। अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो शाहरुख खान की फिल्म पठान है, आमिर खान की फिल्म दंगल है। कन्नड़ इंडस्ट्री को देखा जाए तो रॉकिंग स्टार यश की KGF चैप्टर 2 है। पर तमिल इंडस्ट्री के पास क्या है? अब आप कहेंगे कि फिल्म जवान भी तो तमिल फिल्म ही थी ना? नहीं, उसे तमिल डायरेक्टर ने बनाया था, पर वो कोई तमिल फिल्म नहीं थी, वो हिंदी फिल्म थी। तो ऐसे में अगर तमिल फैंस चाहेंगे कि 1000 करोड़ कंगवा कमा ले और इंडस्ट्री को एक नई पहचान दिला दे, तो उसमें गलत क्या है भाई? ये काम तो रजनीकांत की जेलर भी नहीं कर पाई थी और ना ही सेनापति की लियो। इसलिए कांगवा से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर कांगवा ने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए ना, तो समझो कि हिस्ट्री बनेगी हिस्ट्री। वैसे कांगवा विजुअली स्टर्निंग और दमदार एक्शन सीक्वेंसेस के लिए भी जानी जाएगी ऐसा कहा जाता है, जिसमें फिल्म की टाइमलाइन के अनुसार और सीक्वेंसेस भी होंगे और ऐसे सीक्वेंसेस चेन्नई में शूट किए गए हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमने सूर्या को पोस्टर्स के जरिए एक ऐसे अवतार में देखा है जो एक वॉरियर का है। ऐसे में उनका वॉर किसके साथ होगा? फिल्म के विलन है बॉबी देओल, तो उन्हीं के साथ होना चाहिए। अब उनका क्या रोल हो सकता है ये तो नहीं पता, पर ये जो पोस्टर है ना, उसके जरिए ये क्लियर हो जाता है कि जहां तक सूर्या और उन्होंने चेन्नई में वॉर सीक्वेंस शूट किया है ना, उससे ये लगता है कि बॉबी का कैरेक्टर भी शायद 2 टाइमलाइन में हो सकता है, मतलब एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन में और एक मॉडर्न टाइमलाइन में। वैसे कंगवा के मेकर्स बॉबी देओल और दिशा पाटनी के पोस्टर्स कब रिलीज करेंगे, इस पर अब सबकी नजरें हैं, क्योंकि इनकी एक भी झलक देखने के लिए ना लोग बहुत एक्साइटेड हैं। देखते हैं कि कब फैंस को सरप्राइज। 2024 रोमांचक होगा क्योंकि इसमें कुछ लार्जर देन लाइफ वाली पैन इंडिया फिल्म रिलीज होने वाली है। मोस्ट अवेटेड में से एक है कांगवा। ये ना केवल सूर्य की कास्टिंग के कारण मोस्ट अवेटेड है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि इसमें बागी एक्ट्रेस हॉट एंड सेक्सी दिशा पाटनी और एनिमल विलन बॉबी देओल है। एनिमल की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद से ये काफी लार्ज स्केल पर है। एज अ रिजल्ट कांगवा के पास हिंदी ऑडियंस मार्केट में धमाकेदार शुरुआत करने का बड़ा मौका है। और अगर न्यू अपडेट्स पर हम बिलीव करें ना, तो एक और एक्साइटिंग पीस फिल्म का पार्ट हो सकता है। जी हाँ, सिनेमा मार्केट में बस के अकॉर्डिंग कांगवा के मेकर्स ने कार्तिक आर्यन से कॉन्टेक्ट किया है। स्पेकुलेशंस है कि मेकर्स मूवी के फर्स्ट पार्ट के एंड में एक विलन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसके लिए वो एक फेमस हिंदी एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं जो सीक्वल में विलन के रोल में रहे। बस के अकॉर्डिंग कांगवा की फर्स्ट पार्ट में इस कैरेक्टर की 5 से 10 मिनट का कैमियो रहेगा। अगर चीजें ठीक होती है तो ये कार्तिक आर्यन की पहली तमिल और पहली बड़ी पैन इंडिया फिल्म होगी। इस बीच कार्तिक आर्यन कबीर खान डायरेक्टेड अपनी मच अवेटेड स्पोर्ट्स फिल्म चंदू चैंपियन में बिजी है। वो जल्द ही भूल भैया 3 की शूटिंग भी शुरू कर देंगे, जो की दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में आएगी। पूरी बात कांगवा के टाइटल की कर लेते हैं। तमिल वर्ड कांगू का मीनिंग होता है आग और कांगवा का मीनिंग है अ मैन विद द पावर ऑफ फायर। अपकमिंग तमिल मूवी कांगवा के लिए टाइटल इसलिए सेलेक्ट हुआ है क्योंकि ये अट्रैक्टिव, पावरफुल एंड मीनिंगफुल है। दोस्तों, इसमें उन सभी 10 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है जिसमें फिल्म रिलीज होगी। इसकी स्टोरी कांगवा की कहानी एस वेंकटेशन की किताब वेलपरी पर बेस्ड है। सूर्या ने एक इवेंट पर कहा था कि वो वेंकटेशन के साथ कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी। अब कांगवा में एक बार फिर से एक ऐसे राजा की कहानी स्क्रीन पर उतरने वाली है जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे। कांगवा शिव द्वारा डायरेक्टेड और यूवी क्रिएशंस और स्टूडियो ग्रीन द्वारा सपोर्टेड है। इसका बजट 300 से 350 करोड़ रुपए के बीच होने की एक्सपेक्टेशंस है। दूसरा लुक पोस्टर कुछ दिनों पहले लॉन्च किया गया था और इसे काफी पसंद किया गया। देवी श्री प्रसाद के म्यूजिक के साथ कांगवा को 3D फॉर्मेट में 10 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। आप कांगवा के लिए कितने एक्साइटेड हैं? अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, जैसे ही किसी फिल्म का फर्स्ट पार्ट ब्लॉकबस्टर होता है, फिल्म छप्पर पार कमाई करती है, तो उसके सीक्वल के अनाउंसमेंट होने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लग जाती है खरीदने के लिए। जैसे पुष्पा 2 को ही देख लीजिए आप, 1000 करोड़ की डील्स उन्हें नॉर्थ मार्केट से ऑफर हुई थी क्योंकि पुष्पा का भाई क्रेज है। अब ऐसा ही क्रेज तमिल फिल्म कांगवा का भी है। आए दिन इस फिल्म के हर पोस्टर, लुक या फिर अपडेट से फिल्म ने बज़ बनाया हुआ है, पर फिर भी
ऐसा कौन है जो इसमें अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है? देखिए, ऑडियंस तो इंटरेस्ट दिखाएगी, पर ये बात है थियोरेटिकल राइट्स और तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर्स की। कांगवा पैन इंडिया फिल्म है, 37 भाषाओं में डब होने वाली है। ऐसे में इसके लिए हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सारे मेन मार्केट्स मायने रखते हैं, और उसमें से भी हिंदी और तेलुगु ज्यादा। पर तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी भी डिस्कस ही कर रहे हैं, उन्हें टाइम चाहिए। अब कांगवा मेकर्स मांग रहे हैं 22 करोड़, पर तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर 12 करोड़ के लिए राजी है, पर उसमें भी टाइम चाहिए। पर तमिल स्टार सूर्या की इस फिल्म के केस में ऐसा हो क्यों रहा है? इसका रीजन है सूर्या की पिछली कुछ फिल्मों का एवरेज रिकॉर्ड। सूर्या एक जबरदस्त एक्टर है, उन्होंने फिल्म गजनी के बाद ही तेलुगु में अपना एक फैन बेस बनाना शुरू कर दिया था। फिर सिंघम जैसी फिल्म से वो और पॉपुलैरिटी हासिल कर पाए, पर उसके बाद तेलुगु व्यूअर्स उनकी फिल्मों से खुश नहीं थे। ऐसा रजनीकांत की फिल्म की जेलर के साथ भी हुआ, जो सुपर डुपर हिट रही। अब तेलुगु मार्केट में भी रजनीकांत का फैन बेस है, पर तेलुगु राइट्स खरीदते वक्त डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 6 करोड़ से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि रजनीकांत की दरबार 2.0 से तेलुगु ऑडियंस कुछ खास खुश नहीं थे। पर इस कंपैरिजन में अगर थलापति की फिल्म लियो देखें, जो कि 2023 की मासी फिल्म है, तो उस फिल्म के राइट्स खरीदे गए 20 करोड़ में, जो बहुत बड़ी अमाउंट है विजय की फिल्म के लिए। अब वो भी एक तमिल स्टार है, पर उनका तेलुगु फैन बेस भी है, और उनकी फिल्मों पर तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर्स को यकीन भी होगा। पर ये तो चलता ही रहेगा, कोई आगे जाएगा तो कोई पीछे रह जाएगा, टेबल रिवर्स होगा। पर कांगवा जैसी विजुअली स्पेक्टेक्युलर स्टनिंग आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी और सूर्य जैसी रॉकिंग स्टार की फिल्म को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर इतना सोच रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांगवा के 1000 करोड़ के टारगेट में कोई मुश्किल आ जाए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग पार्ट तो जरूर होगा, पर उससे थिएटर नंबर्स भी जुड़े होते हैं, और कांगवा के लिए ज्यादा से ज्यादा थिएटर्स भी चाहिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जहां लोग जाए और फिल्म देखे। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आगे ऑडियंस को भी इस फिल्म को देखने में इंटरेस्ट आएगा। सो लेट्स सी कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर्स राइट खरीदता है और कितने करोड़ में खरीदता है। दोस्तों, साल 2024 में तमिल इंडस्ट्री अगर किसी फिल्म के शोर से गूंज उठेगी तो उस फिल्म का नाम है कांगवा। कांगवा में हिस्टोरिकल रेफरेंस, यूनिवर्सल थीम, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, VFX और आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन का पूरा भंडार होगा। पर इसके साथ साथ जब से इस फिल्म का एक पोस्टर या फिर लुक रिवील किया गया है, इसमें लीड हीरो सूर्य नजर आते हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है मानो शायद ये टाइम ट्रेवल वाला मामला भी हो सकता है। सिर्फ पोस्ट की वजह से ही नहीं, बल्कि इस फिल्म में दो टाइम लाइन्स है और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट सबकी बातें होगी, तो टाइम ट्रेवल वाला कंसेप्ट इस्तेमाल होने की ना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। और लुक से हमें ये ऐसा इसलिए लगा क्योंकि सूर्या का जो लुक है ना, वो बिल्कुल उनकी सुपरहिट फिल्म 24 के अथ्रिया नाम के कैरेक्टर जैसा है, और वो फिल्म एक घड़ी पर बनाई गई थी जो टाइम ट्रेवल करने में मदद करती थी। एग्जैक्टली वैसा ही लुक दिखाई देता है कांगवा में। अब बहुत सारे लुक्स इसमें दिखाई देंगे, जिसमें से अगर ऐसा लुक होगा मॉडर्न वाला, तो क्या पता है टाइम ट्रेवल जैसा कोई एलिमेंट इसमें ऐड किया जाए, जो कि हमें उस हिस्टोरिकल टाइमलाइन से भी ना जोड़ सके और फ्यूचर टाइमलाइन से भी जोड़ सके। वैसे जब से कांगवा के मेकर्स ने फिल्म को 37 भाषा में डब करने का फैसला सुनाया है, सब लोग हैरान हो गए। मतलब सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के लोग भी ना हैरान है। भाई, ये तो हमसे भी 100 कदम दूर चले गए, और इन्हें हम पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारा बजट नहीं है इतना। पर कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि मेकर्स ने अग्रेसिवली ऐसा डिसीजन ले लिया हो? दरअसल क्या है ना, अब पैन इंडिया फिल्मों का फैशन तो भाई चल रहा है, ऐसे में हर एक इंडस्ट्रीज के दमदार सुपरस्टार्स अपनी फिल्म ला रहे हैं, वो भी पैन इंडिया फिल्म में। ऐसे में कांगवा को अगर उनसे आगे जाना होगा और उनके लिए फिल्म बनाना होगा, तो ये स्टार्स डबिंग वाली स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है। अब तेलुगु फिल्म देवराज जो पैन इंडिया सुपरस्टार जूनियर NTR की फिल्म है, उसके लिए कांगवा खतरा साबित हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। अब कांगवा की रिलीज डेट पक्की तो नहीं है, पर समर सीजन में शायद ये फिल्म रिलीज हो सकती है, और देवरा 5 अप्रैल को रिलीज होगी। तो ऐसे में इतने बड़े प्रोजेक्ट से टकराना देवरा के लिए तो वही खतरा है, पर ये कोई अग्रेसिव डिसीजन नहीं हो सकता है, बल्कि फायदा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो किया गया होगा। पर जहां तक बात तमिल इंडस्ट्री की है, तो कांगवा से बढ़कर अभी तक कोई तमिल फिल्म नहीं बन रही है, तो पूरी इंडस्ट्री इसका प्रमोशन करने में ना लगी रहेगी, क्योंकि वो चाहेंगे ही कि ये फिल्म हिस्ट्री क्रिएट करे, जिसमें क्या पता रजनीकांत जैसे दिग्गज
तमिल सुपरस्टार्स प्रमोशन करने में शामिल हो जाए तो कंगवा की पोजीशन और भी ना मजबूत हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पैन इंडिया फिल्मों की आज लाइन लगी हुई है, पर उस लाइन का पहला मेंबर कौन था? बिफोर बाहुबली। और बाहुबली किसने बनाई? मास्टरमाइंड एसएस राजामौली ने। और राजामौली ने ये कहा था कि बाहुबली का इम्पैक्ट ऐसा है ना, उसकी जैसी फिल्में बनाने की बहुत कोशिश की जाती है, पर बाहुबली का जो कोर है उसे फॉलो करना सही रहेगा, ना कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स को। मतलब कि बाहुबली कमाई पर सब लोग ध्यान देते हैं, पर बाहुबली में क्या था जिसकी वजह से फिल्म ग्लोबल फिल्म बन गई, अनब्रेकेबल साबित हुई ओवरसीज में भी, उस पर फोकस करना चाहिए। तो तमिल सुपरस्टार सूर्या स्टारो फिल्म कंगवा जो एक पैन इंडिया फिल्म है, उसे बाहुबली जैसा तो नहीं, लेकिन हर फिल्म का अपना एसेंस होता है, पर अनब्रेकेबल बनने के लिए ना कोर एलिमेंट्स मतलब कि आर्ट ऑफ सिनेमा एंड इंडियन स्टोरी एंड हाईली स्किल्ड नरेशन, ग्रैंड प्रोडक्शन डिजाइन, लग्जरियस विजुअल इफेक्ट्स, इलेबोरेट पीरियड कॉस्ट्यूम, ग्रेट म्यूजिक, क्लासिक फोटोग्राफी एंड वेल कोरियोग्राफ फाइट एंड वॉर सीक्वेंसेस, इन सब में ना अप टू मार्क होना पड़ेगा। अभी इतने सारे फैक्टर्स कंगवा में अगर बाहुबली से भी मल्टीप्लाई बाई 10 इम्प्रेसिव रहे या फिर टॉप नॉच रहे तो आप बाहुबली KGF RRR सबको भूल जाओगे, क्योंकि फिल्म में वो पोटेंशियल है। उसके बाद कमाई का तो बस पूछो ही मत, बारिश हो जाएगी बारिश। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद खुद राजामौली भी कहने चाहिए ना कि यार क्या फिल्म बनाई है, मास्टरपीस है मास्टरपीस। ये आविष्कार देखकर लोग बाहुबली को भी ना भूल जाए। कुछ ज्यादा ही कह दिया क्या मैंने, माफ कर दीजिए, पर हाँ कंगवा वालों राजामौली की तरह प्रमोशन भी करना होगा आपको, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से आता है अपना प्रोडक्ट बेचना। वैसे कंगवा ने आने से पहले ही बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि वो 37 भाषाओं में डब होने वाली है। क्या कहा, 38। दरअसल ये तमिल फिल्म है तो तमिल में रिलीज करके इसे 37 भाषाओं में डब करेंगे, ऐसे मिलाकर वो 38 भाषाओं में रिलीज होगी। अब 38 भाषाओं में चाइनीज, कोरियन, रशियन, इंग्लिश सब आते हैं। वैसे बाहुबली को अगर देखा जाना तो वो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के साथ साथ चाइनीज, रशियन, इंग्लिश में रिलीज हुई थी, यानी कि लगभग 8 भाषाओं में हुई थी। और इसमें भी अगर आप 2-3 भाषा ऐड करोगे तब भी 10-12 भाषा हो जाएंगे, पर 37 ये रिकॉर्ड बस कंगवा ने ही बनाया है। तो यही कंगवा की जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। पर इस सबके साथ साथ अगर कंगवा वालों ने बाहुबली को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया हो तो पैन इंडिया रीच को समझ कर वो फिल्म से इतिहास रच सकते हैं, वरना नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कंगवा बाहुबली से बेस्ट होगी? हमें सुपरस्टार सूर्या की अपकमिंग फिल्म कंगवा तमिल सिनेमा में इवोल्यूशन लाएगी, बेंचमार्क सेट करेगी, ऐसा फिल्म के मेकर्स को लगता है। अब ये फिल्म एक हिस्टोरिकल स्टोरी को रिप्रेजेंट करने वाली है जिससे शायद ही कोई रूबरू हो सकता है। यानी इन शॉर्ट मेकर्स कंटेंट को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट है, पर ऐसा कौन सा कंटेंट है इनके पास जिससे ये बाहुबली पोनियन सेल्वन इन्हें भी पीछे छोड़ेगी, ऐसा कहा जाता है। वेल बाहुबली एक फिक्शनल स्टोरी थी और कंगवा रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होगी। दरअसल वेंकटेशन ये तमिलनाडु के पॉपुलर राइटर थे, उनकी नॉवल वेलपरी से कंगवा इंस्पायर्ड होगी। और सूर्या ने खुद ही एक इवेंट के वक्त कहा था कि वो इस नॉवल पर काम करने वाले हैं। अब जैसे मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन में हमने चोल एम्पायर की कहानी देखी, उसी तरह इस फिल्म में हम एक राजा की कहानी देखने वाले हैं। वैसे भी इंडिया में साम्राज्यों की कहानी की कोई कमी थोड़ी ना है, जिसमें से साउथ इंडिया के 3 ऐसे साम्राज्य है जो बहुत ही अहम माने जाते हैं, वो 3 है चोल, चेर और पांड्या। अब आज के तमिलनाडु, केरला, पुंडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साउथ पार्ट्स, जिससे एंशियंट तमिल लोगों का रीजन बना है जिसे तमिलकम कहा जाता है, तमिलकम के मोस्ट ऑफ द एरियाज पर चोल, चेर या फिर पांड्या में से किसी एक का राज था, लेकिन बीच में परंगुनाडु और उसके आसपास के एरिया पर किंग्स वेली का राज था। अब जब तक इन तीनों साम्राज्य के राजाओं में बनती थी तब तक सब कुछ ठीक था, पर जब इनमें एम्पायर एक्सप्लोर करने की आग लगी तो वेल किंग को बहुत परेशानी हुई, उन पर भी अटैक किया गया। पर जब बात परंबू तक पहुंची तो वहां के राजा ने अटैक का जवाब देना सही समझा, जिससे हुआ वॉर। उस राजा का नाम था वेलपरी। इसके पहले तमिल लिटरेचर में इसके बारे में मेंशन किया गया था, जिसे तमिल हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट रक्षक भी कहा जाता है। वेलपरी कभी पीछे नहीं हटा, उसने हमेशा वॉर का सामना किया, और जिस तरह से कंगवा में सूर्या का फर्स्ट लुक है वो इसी राजा से मिलता जुलता है, जिसके अंदर वो एक फायर थी
और उसमें हीरोइज्म को दिखाने की शायद कांगवा में कोशिश की जाएगी। इसलिए तो प्रोड्यूसर ने ये कहा था कि ये कोई फैंटेसी फिल्म नहीं है पर तमिल हिस्ट्री से जुड़ा कुछ इसमें दिखाई देगा। अब ये फिल्म VFX का इस्तेमाल करके अपनी कहानी को डिलीवर तो करेगी ही पर इमोशंस को डिलीवर करने में सूर्या बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। इसके कंटेंट में भी नयापन देखने को मिलने वाला है, इसलिए इस फिल्म को बाहुबली, पोनियन सेवन इन सब से भी हटकर माना जा रहा है। तो फिलहाल आपके क्या एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। फिल्म कांगवा का टीजर देखकर हर किसी के मुंह से निकल रहा है कि ये 10 बाहुबली के समान है, 10 KGF के समान है, 10 कांतारा के समान है। तो सोचिए टीजर ने क्या जादू क्रिएट किया है। तो ये तो बस टीजर है, ट्रेलर और फिल्म तो बाकी है मेरे दोस्त। तमिल सुपरस्टार सूर्या और बॉलीवुड के लॉर्ड बॉबी देओल की ये फिल्म विजुअली स्टनिंग है और ये इंडियन सिनेमा में एक ऐसा बेंचमार्क सेट करने वाली है, इसकी गारंटी है। फिल्म में हमें दो टाइमलाइंस दिखाई जाएगी, एक 1700 AD वाली और एक मॉडर्न वाली। तो मेकर्स ने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि हीरो का अधूरा रह गया मिशन वो आने वाले वक्त में पूरा करेगा। और टीजर से हम समझ रहे हैं कि बॉबी और सूर्या के बीच जो फाइट है, जो अलग टाइमलाइन में सेट है, वो अभी भी बाकी है। मतलब इसमें रीबर्थ एंगल दिखाया जा सकता है, यानी कि पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म एंगल इसका सेंट्रल प्लॉट हो सकता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जरूर है जिस पर बॉलीवुड और साउथ में कई सारी फिल्में ऑलरेडी बन चुकी है, पर इस कंसेप्ट को सही ढंग से हैंडल करना बहुत जरूरी है। विजुअल ट्रीट के तौर पर कांगवा 100 में से 1000 मार्क्स तो ले चुकी है, इसलिए अब सारी निगाहें फिल्म की स्टोरी लाइन और एग्जीक्यूशन पर होने वाली है। इसलिए इसका एग्जीक्यूशन भी टॉप नॉच होना चाहिए, वरना सब किया कराए बना पानी पड़ जाएगा। अगर उसमें कमजोरी दिखी तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऐसे प्लॉट्स को हैंडल करने का करिश्मा इससे पहले साउथ में राजामौली ने ही दिखाया है अपनी फिल्म रंगस्थलम और ईगा में, जो पुनर्जन्म पर बेस्ड थी। रंगस्थलम तो ऐसी पहली तेलुगु फिल्म थी जो 100 करोड़ में शामिल हुई और ईगा ने 125 करोड़ का बिजनेस किया, और ये दोनों बाहुबली से पहले रिलीज हुई थी। ये फिल्म पुनर्जन्म को मजबूती से दिखाती है विद इमोशंस और एक्शन। इस तरह की मजबूती कांगवा में भी दिखने की जरूरत है, और अगर ऐसा हुआ तो फिल्म को छक्के चलाने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे टीजर में हम देख रहे हैं वॉयलेंस कितना ज्यादा है, कहीं पर हड्डियों से भरा पेड़ है, उसके नीचे पानी में लोग डांस कर रहे हैं, कोई सर काट रहा है, और ऐसी वॉयलेंट फिल्म ए सर्टिफिकेट ही डिजर्व करती है ना, उसे तो कुछ और सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। और इसकी एक्शन कोरियोग्राफी की है सुप्रीम सुंदर ने। सुप्रीम सुंदर एक पॉपुलर इंडियन एक्शन और स्टंट कोरियोग्राफर है, इन्होंने ही आनंदम में रणबीर कपूर और बॉबी को कोरियोग्राफ किया था। जी हाँ, जो भी काफी वॉयलेंट था उनका फेस ऑफ कोरियोग्राफ इन्होंने किया था। और सुप्रीम सुंदर की खास बात तो ये दोस्तों कि उनके एक्शन इतने एक्सट्रीम लेवल के होते हैं ना कि उसमें एक इंसान की बॉडी, अहंकार और दिल सब कुछ ना हर्ट हो जाता है। बहुत ही भयंकर पंचेस होते हैं जो फिल्म के पोस्टर से ही समझ में आता है। जैसे अजीत कुमार की थुनीपू फिल्म का पोस्टर ब्लड शेडेड है, क्योंकि इस फिल्म में खून खराबा एक्शन एक्सट्रीम लेवल का है, और इससे भी 10 गुना बढ़िया हमें कांगवा में देखने को मिलने वाला है बॉबी और सूर्या के बीच में। और पता नहीं एक्शन की दुनिया में कांगवा कौन सा अलग इतिहास रचेगी। तो आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कंगुआ का एक काफी दमदार ट्रेलर आ गया है हमारे सामने, जिसे देखकर हम एक ही चीज कह सकते हैं, व्हाट अ रूथलेस वॉर इज अबाउट टू हैपन। क्योंकि उसमें हमने क्लियरली देखा कि दो ग्रुप्स के बीच में हो रही वॉर, जो बाहुबली सागा में दिखी कालकई और माहेश्वरी की सेना के बीच की वॉर से भी काफ़ी खतरनाक थी। और अब इस ट्रेलर को देखने के बाद एक पॉसिबल स्टोरी लाइन आई है सामने। तो अगर आप भी ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आखिर ये सब लड़ क्यों रहे हैं, तो बने रहें हमारे साथ एंड तक। तो कहा जा रहा है कि सूर्या इस मूवी में एक माइटी वॉरियर का किरदार निभा रहे हैं, और जिस तरह का ट्रेलर हमने देखा, हम कह सकते हैं कि मेकर्स इस मूवी को एक बड़े स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रेलर के आने के साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि इस मूवी के ODD राइट्स प्राइम वीडियो ने खरीद लिए हैं, जिसकी अनाउंसमेंट मुंबई में प्राइम वीडियो के मेगा इवेंट में की गई थी, और यहीं से हमें पता चला कि क्या होगी मूवी की पॉसिबल स्टोरी लाइन, जिसके हिसाब से कंगुआ एक ऐसे हीरो की कहानी है जो 500 साल ट्रैवल करता है, यानी कि 1700 से लेकर 2023 तक, ताकि वो अपने अधूरे मिशन को पूरा कर सके। और ये अधूरा मिशन मूवी के मेन विलन बॉबी देओल के आसपास ही है,
जिनका रुदलेस अवतार देखकर ऐसा लग रहा है कि एनिमल मूवी में जो कसर बाकी रह गई थी वो इस मूवी में बॉबी पूरी करने वाले हैं, और एक एनिमल की तरह ही सूर्या के कंगुआ वाले किरदार पर टूट पड़ने वाले हैं। इस पॉसिबल स्टोरी लाइन को सुनने के बाद जो ये थ्योरी घूम रही थी कि सूर्या इस मूवी में 6 अवतार अलग अलग एरा या टाइमलाइन के हिसाब से होने वाला है वो सही साबित हो गई। और साथ ही अगर ये एक ही योद्धा की कहानी है जो 500 साल ट्रैवल करता है तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये योद्धा हर एरा या टाइमलाइन में कंगुआ के तौर पर रीबॉर्न होता होगा, और जब तक इसका असली मकसद जो मूवी के विलन को मारने का है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो हर टाइमलाइन में रीबॉर्न होता ही रहेगा। और इसका मतलब ये भी है कि हम बॉबी देओल जो मेन विलेन है उनके भी अलग अलग अवतार देखने को दे रहेंगे और देखने को मिलेगा जो अलग अलग लुक में आकर कंगुआ को चैलेंज करता होगा। आपका इस पर क्या कहना है बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे, बाय बाय। साल 2024 की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल तमिल सुपरस्टार सूर्या की मूवी कंगुआ एक मेगा बजट हाई कॉन्सेप्ट और पावर हाउस सागकास्ट के साथ बनाई गई मूवी है जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। VFX और एडिटिंग का काम भी धीरे धीरे हो रहा है और अब डबिंग भी शुरू हो चुकी है। इस मूवी की टीम ने सोशल मीडिया पर डबिंग के कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं जहां पर सूर्या एक स्टूडियो में नजर आते हैं। चेन्नई के आदना आर्ट स्टूडियोज में डबिंग हो रही है जिसके साथ टीम ने कैप्शन में ये लिखा है कि हिज प्रेजेंस सेट आवर स्क्रीन्स अब्लेज एंड नाउ हिज वॉइस विल राइन सुप्रीम। मतलब मूवी में सूर्या अपने प्रेजेंस से जो तड़का लगाने वाले हैं वैसा ही जादुई तड़का वो अपनी आवाज से भी लगाएंगे, और उनकी आवाज कितनी दमदार है कितनी इंटेंसिटी है उसमें ये तो हमें पता ही है। मूवी विक्रम का उनका रोलेक्स वाला कैरेक्टर आपको याद ही होगा। वैसे कंगुआ मूवी की लैंग्वेज रिलीज स्ट्रैटेजी इस मूवी का एंटिसिपेशन बनाए रखी है, जैसे कि ये मूवी 38 भाषाओं में रिलीज होगी मतलब डब भी होगी। वैसे सूर्या ने अपने कैरेक्टर की डबिंग पूरी की है और सिर्फ तमिल भाषा में डबिंग पूरी की है, पर जिस तरह से सूर्या मूवी में 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स में नजर आने वाले हैं जैसे कि अराथर, वेंकाटेर, मंडनकर, मुकातर और पेरू मनंथर, इन कैरेक्टर्स में तो उन अलग अलग कैरेक्टर्स की उन्होंने डबिंग की है। खैर इस मूवी में सूर्या के साथ साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और एनिमल के बाद भगवान बने बॉलीवुड बॉबी देओल नजर आएंगे, जहां पर दिशा का कैरेक्टर ऐसा होगा जो सूर्या के मॉडर्न कैरेक्टर के साथ दिखाई देगा, तो वहीं बॉबी देओल विलन का रोल प्ले करेंगे जो हमें 2 टाइमलाइंस में नजर आ सकते हैं जैसे कि एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन और एक मॉडर्न टाइमलाइन। उस हिसाब से उनके एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए गए हैं और बॉबी का वॉरियर वाला पोस्टर भी हमने देखा था जैसे सूर्या का देखा था। अब 300 करोड़ में बनी इस मूवी की डबिंग बॉबी देओल और दिशा पाटनी कब शुरू करेंगे तो आगे चलकर पता चलेगा। अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय। एक्शन फिल्मों को हमेशा से ही प्यार मिला है जिसमें कंगुआ भी अब शामिल हो गई है। लास्ट ईयर सूर्या के बर्थडे पर 22 जुलाई को फिल्म कंगुआ का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था। इसे कंगुआ ग्लिम्स नाम दिया गया। 2.25 मिनट की इस